ओएसिस ग्रुप ने महान पीपल्स प्रेसिडेंट भारत के मिसाइल मैन और भारत रत्न पुरस्कार विजेता डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब का 15 अक्टूबर 2023 को 92वां जन्म दिवस मनाया। आपका जीवन मैं आशीष डायरेक्टर ऑफिस वर्किंग ऑन आज जो आपने प्रोग्राम यस मैम बताइए आज जो प्रोग्राम आपने किया है उसके बारे में हम बताइए। सोशल सर्विसेज का बहुत बड़ा क्षेत्र है। हम इसमें समय ऐसा होता है कि कभी कभी आज का ये मैं अपने इतिहास ऐसे मेरा नाम मैं एक आर्टिस्ट हूँ और जनपस आज कोई सर अपने बड़े प्रिय राष्ट्रपति कलाम साहब के बारे में बात करने का मैं इस बात से एक बड़ी सुषमा डायरेक्टर ओएसिस ग्रुप ऑफ फर्म्स सबसे ज्यादा खुशी मुझे इस चीज की हुई कि डॉक्टर सुषमा मैम ने आज का जो दिन चुना अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़मीर अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं जेड न्यूज़ फॉर यू। अर्ज़ यह है कि आपने अपने चैनल जेड न्यूज़ फॉर यू को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में दिए हुए बेल आइकन को भी दबाएं जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें। उपयुक्त कार्यक्रम के अवसर पर ओएसिस समूह की कंपनियों द्वारा प्रदर्शन इस प्रकार है। ओएसिस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स अपने अस्तित्व के कुछ ही समय में भारत के अग्रणी रिकॉर्ड संगठन के रूप में ओएसिस वर्ल्ड रिकॉर्ड का उदय इसके अध्यक्ष और संस्थापक डीआर की दूरदर्शिता के कारण सुषमा और उनकी निरंतर बढ़ती टीम का समर्पण और परिश्रम। ओएसिस वर्ल्ड रिकॉर्ड भारत सरकार द्वारा पंजीकृत है। एक ISO 9001:2015 प्रमाणित फर्म जो अंतर्राष्ट्रीय यूरोपियन प्रत्यायन फॉर्म IEAF एशियन अंतर्राष्ट्रीय प्रत्यायन फॉर्म AIAF द्वारा मान्यता प्राप्त है। अमेरिकन मेरिट काउंसिल AMC ओएसिस वर्ल्ड रिकॉर्ड ट्रेडमार्क पंजीकरण MSME पंजीकरण द्वारा पंजीकृत। इस कार्यक्रम के पूरे भारत से 2700 लोगों ने नामांकन किया था जिसमें से शीर्ष 100 लोगों को उनकी प्रतिभा और कड़ी मेहनत को देखते हुए पुरस्कार की विभिन्न श्रेणियों में चुना गया और जो इस प्रकार है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पुरस्कार, भारतीय रत्न पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि पुरस्कार, नारी शक्ति रत्न पुरस्कार, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, इंडियन ग्लोरी अवार्ड आदि। ओएसिस ग्लोबल यूनिवर्सिटी ने विभिन्न विषयों में नवीन और व्यावहारिक कौशल विकास पाठ्यक्रम विकसित किए हैं। एक जीवंत शिक्षण संस्कृति स्थापित की है। संस्था स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों स्तरों पर बड़ी संख्या में छात्र इसकी ओर आकर्षित होते हैं। ओएसिस ग्लोबल यूनिवर्सिटी 32 क्षेत्रों में 1000 से अधिक पाठ्यक्रम नौकरी उन्मुख व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रदान करती है। पूरे भारत में एक नेटवर्क के माध्यम से संचालित OGU के पूरे क्षेत्र में क्षेत्रीय कार्यालय होंगे। संस्थान का लक्ष्य राष्ट्रीय विकास के लिए कुशल मानव संसाधन की आवश्यकताओं को पूरा करने के राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्ति के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम को प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता प्रदान करता है। ओएसिस ग्लोबल यूनिवर्सिटी भारत सरकार द्वारा पंजीकृत अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है। एक ISO प्रमाणित शिक्षा संस्थान सरकार द्वारा अनुमोदित साई ट्रिनिटी संगठन के सहयोग भारत सरकार द्वारा 12A और 80G स्वीकृत नीति आयोग द्वारा अनुमोदित MSME मंत्रालय द्वारा अनुमोदित एक ISO 9001:2015 और ISO 29993:2017 प्रमाणित विश्वविद्यालय।
अंतर्राष्ट्रीय यूरोपियन प्रत्यायन फॉर्म IEAF, एशियन अंतर्राष्ट्रीय प्रत्यायन फॉर्म AIAF, अमेरिकन मेरिट काउंसिल AMC द्वारा मान्यता प्राप्त। ओएसिस ग्लोबल यूनिवर्सिटी का उद्घाटन 15 अक्टूबर 2023 को किया गया। महान जनता के राष्ट्रपति, भारत के मिसाइल मैन और भारत रत्न पुरस्कार डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब का 92वें जन्मदिन पर उद्घाटन दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। पूरे भारत से 247 लोगों ने इस कार्यक्रम के लिए नामांकन किया था, जिसमें से शीर्ष 20 लोगों को विशेष क्षेत्र में उपलब्धियां और योगदान के आधार पर मानद डॉक्टरेट के लिए चुना गया। हम मानद डॉक्टरेट पुरस्कार PhD, D.Lit, DMC दिया गया। ओएसिस फिल्म प्रोडक्शन हाउस DR के निर्देशन में 2021 में स्थापित एक पूरी तरह से इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म है। सुषमा ओएसिस फिल्म कर्मचारियों और मूल्यवान सेवाओं की वृद्धि के साथ कई ग्राहकों के साथ बढ़ रहा है। हाल ही में हमने अपना मनोरंजन क्षेत्र ओएसिस सिनेस्टार भारत के हुनरबाज शुरू किया। ओएसिस फिल्म भारत सरकार द्वारा पंजीकृत है। इस कार्यक्रम के लिए पूरे भारत में 4250 लोगों ने नामांकन किया था, जिसमें से शीर्ष 150 भारत के हुनरबाज प्रतियोगियों को उनकी प्रतिभा और कड़ी मेहनत को देखते हुए प्रतिभाओं की विभिन्न श्रेणियों में चुना गया, जो इस प्रकार है: गायन, नृत्य, बोलना, शेफ, जादूगर, मॉडलिंग, अभिनय आदि। 17 चयनित ने भारत के हुनरबाज 15 अक्टूबर 2023 को मंच पर प्रदर्शन किया। ओएसिस मानवाधिकार संरक्षण परिषद ONHRPC मानवाधिकारों की सुरक्षा और संवर्धन के लिए जिम्मेदार है। इसमें जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, गुलामी और यातना से मुक्ति, राय और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, काम और शिक्षा का अधिकार और बिना किसी भेदभाव के अन्य अधिकार शामिल है। यदि आप मानवता के लिए कुछ विशेष करना चाहते हैं तो समाज की सेवा करके अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमारे साथ जुड़े। ओएसिस राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण भारत सरकार द्वारा पंजीकृत है। 15 अक्टूबर 2023 को ऑफिशियल ज्वाइनिंग भी दी गई। ओएसिस समाचार, हम विभिन्न राष्ट्रीयताओं के अनुभवी और साहसी युवा पत्रकारों की एक टीम। ओएसिस समाचार, हम विभिन्न राष्ट्रीयताओं के अनुभवी और साहसी युवा पत्रकारों की एक टीम है। ओएसिस न्यूज वैश्विक मुद्दों की गहन विश्लेषण के साथ पड़ताल करता है। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करके हम अपने उपयोगकर्ताओं के साथ अपनी दुनिया के बारे में बातचीत शुरू करते हैं। हम दिन भर की खबरों से कहीं अधिक प्रदान करते हैं। हमारा उद्देश्य लोगों को अपनी दुनिया का पता लगाने के लिए सशक्त बनाना है। दिल्ली NCR में हमारे वैश्विक मुख्यालय के साथ हम आपके लिए हर घंटे के हिसाब से खबरें लाते हैं। ओएसिस न्यूज भारत सरकार द्वारा पंजीकृत है। ओएसिस न्यूज नियमित रूप से 3 टॉक शो चला रहा है, रूबरू, संघर्ष के कुछ अनसुने पल और सक्सेस सिग्नेचर। इस टॉक शो के साथ हम साक्षात्कार, पैनल चर्चा और आदि आयोजित करते हैं। ओएसिस वैश्विक आध्यात्मिक केंद्र, ओएसिस ग्लोबल स्पिरिचुअल सेंटर आध्यात्मिकता का एक सुव्यवस्थित और अत्याधुनिक आदित्य केंद्र है, जो मानवता को लाभान्वित करने के लिए एक ही छतरी के नीचे सभी प्राचीन और आधुनिक आध्यात्मिक प्रथाओं को शामिल करता है, जो किसी व्यक्ति के जीवन को परेशान करने वाली शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक बीमारियों के खिलाफ उच्च परिशुद्धता और सटीकता के साथ लड़ता है। और प्रमाणित वैज्ञानिक तरीका हमारी प्रथाओं में दुनिया में उपलब्ध सबसे शक्तिशाली ऊर्जा उपचार तकनीकों में से एक शामिल है। ओएसिस ग्लोबल स्पिरिचुअल सेंटर भारत सरकार द्वारा पंजीकृत है। ओएसिस ग्लोबल स्पिरिचुअल सेंटर का उद्घाटन 15 अक्टूबर 2023 को किया गया। पीपल्स डेमोक्रेटिक फोरम का उद्घाटन 15 अक्टूबर 2023 को किया गया। उद्घाटन समारोह में हम पीपल्स डेमोक्रेटिक फोरम के बैनर तले 2 पैनल चर्चा एजेंडा रख रहे हैं, लोकतंत्र में सुशासन। ओएसिस ग्लोबल स्कूल और ओएसिस जूनियर ग्लोबल ओएसिस ग्लोबल स्कूल का लक्ष्य एक ऐसी संस्था बनाना है जो प्रत्येक बच्चे को ज्ञान और जीवन कौशल की मजबूत नींव के साथ सशक्त बनाता है। हम एक प्रेरक वातावरण बनाते हैं जहां बच्चे तब सीखते हैं जब वे चाहते हैं, ना कि जब उन्हें सीखना होता है। उनकी पूर्ण क्षमता को पहचानने और हासिल करने में उनकी सहायता करते हुए स्कूल उन्हें सर्वोत्तम संभव तरीके से मदद करना चाहता है। आप सबके हटोराशि प्रभु को मेरा कोटि शतनाम। बहुत 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 शुक्रिया ऐ खुदा, ये परवरदिगार, ये ब्रह्मांड के रचयिता, तूने आज हम सभी दिव्य आत्माओं को एक साथ एक जगह इकट्ठे होने का मौका दिया। और किस वजह से ये मौका मिला ये जानना बहुत जरूरी है।
हमारे देश के हम हीरा करके उनके सम्मान को कम नहीं करेंगे, हम विभूति कहके उनके सम्मान को कम नहीं करेंगे। हमारे देश के ट्रू ट्रू जिसको हम कहते हैं ना कि यस, जिसकी रग रग में मानवता समाई थी और वो मानवता आज हम सबके भी भीतर में है, उन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब का 52वां जन्मदिन मनाने के लिए आज हम सब इकट्ठे हुए हैं। प्रोग्राम प्रॉपर अपने तरीके से शुरू करने में हम थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं क्योंकि कुछ डेलीगेट्स अभी पहुंचे नहीं हैं। थोड़ा सा सिटिंग अरेंजमेंट मुझे देखना है कि उसको थोड़ा अरेंज करें और उसके बाद हम प्रॉपर शुरू करेंगे प्रोग्राम को। टू परफॉर्म और इन फ्रंट ऑफ अस आई एम रियली रियली सॉरी, थोड़ा सा डिले हो गया प्रोग्राम। Proper welcome to all of you. With a huge round of applause for everyone present here today. Thank you so much. हर दिन आता है एक याद लेकर, हर दिन जाता है एक याद लेकर, और आज का दिन है बहुत ही खास जो लेकर आया है हम सबको एक साथ लेकर। Well, ladies and gentlemen, a very good morning to all of you. May Oisin's director of Oisin's World Record and vice chairman of Oisin's Spiritual Center and your hostess for the day. As we all know that today we have gathered here to celebrate 92nd birthday of our people's president, Dr. APJ Abdul Kalam Award. Dr. APJ Abdul Kalam, and we are also providing the people over here with the awards in his name as well. So I'm really, really thankful to each one of you to be present here and to spare few moments from your life and honor us with your presence on the day today. Moving ahead, I would like to request our chief guests and special guests to please come on stage for handshake ceremony, and then I would like to request you all to proceed towards the lamp for the lamp lighting ceremony. First of all, I would like to call Major General Dr. Rajan Kocher sir, Vice Chairman, National Council of News and Broadcasting, with a huge round of applause. Thank you.
And like I said, today is a very momentous day. We celebrate the birthday of a very great, that is Dr. APJ Abdul Kalam Shah, Bharat Ratna. I was very fortunate to have met him a couple of times because I was at Rashtrapati Bhavan and therefore had the very novel opportunity of meeting him, rather off. Kalam Sahab not only was the former president of India, he was the legendary missile man, as we call him, iconic scientist and renowned educationist of India. We would today, ladies and gentlemen, deliberate on certain very important issues, and that happens to be very topical, that is good governance in democracy, and also highlights some very salient aspects in the second session on empowered ex-servicemen leadership, based on my book, which was titled very aptly, as I'm told, From War to Peace, Wisdom and Leadership, Ex-Servicemen's Contribution to Good Governance and Leadership. Today, we have a very distinguished gentleman. As the time is at premium, we will not take too much of your time. I've been given about 20 minutes. We have a very illustrious panel comprising of, on to my right and to your left, that is Ambassador Anil Tsikunyanji, who has served in India for the hour in Bangladesh, Mongolia, United States of America, Russia, Sweden, Nigeria, Libya, and Jordan. A very distinguished diplomat of our country. You must be watching him very often, actually, on the television shows. And the latest, that is Cauldron of Fire in the Middle East, you would be watching him rather often because there is no one better than Anilji who would contribute to, in a very exponential dimension, giving his views, actually, on the West Asia crisis. We also have, on my left and to your right, Major General Jagat Veer Singh, Vishesh Seva Medal, and Independent Defense Advocate and Strategy. General Jagat Veer happens to be writing some exemplary book reviews which you would have read over a passage of time. The gentleman is also an Independence Defense Strategist and Analyst, and does come quite often on the television shows. Right, with that background, I would just like to say a few words in just about 2-3 minutes. Firstly, we are talking today on democracy. And in democracy, I say, it is extremely, not only newsworthy, but highly contemporary in essence. It is also a very animated discussion, not only for the sake of trying to enlighten minds such as you, very brilliant people. But I would like to make a mention that it basically comprises of four pillars in democracy. Firstly, is your legislation, the executive, the judiciary, and most importantly, the media. Now, each pillar has to be complementary to each other. And in this domain, I can only say that it has not got to obscure any of the other pillars. And therefore, the strength of a democracy lies upon the power of each of the pillars and the way these pillars complement each other. Good governance, ladies and gentlemen, is always defined and exemplified by participation, essentially, the rule of law, transparency, responsiveness, consensus, orientation, equity and industry, as also effectiveness and accountability. Democratic ideals represent various aspects of the broad idea of governance, basically of the people, by the people and for the people. You would have heard that. And that is contained very appropriately in the Indian democracy and the Constitution of India. It's all a political process, and like they say, that every Indian society, every citizen, every person has to be democratic, manifesting the democratic values which we day and night speak about, and that is equality, liberty, and fraternity. We also speak in our country with great authority, exemplifying secularism and justice.
in social spheres and individual behavior, where the government, of course, is not only sensitive, but it provides the people's identities, aspirations and needs, wherein people feel secure and content. Lastly, I would like to say before I hand over to the panelists that India is the world's largest democracy and one of the finest democracies. A big clap for your country. A big applause. And why I say that? Because one is very proud, like each one of you, of Bharat Desh Mahan. For more than 75 years, we have witnessed a successful conduct of elections in the country. Every country has taken, but our country certainly had the least. So therefore we are very proud of it, that all the changes and the vicissitudes that you witness are all done with great amount of transparency. And all this between the government and the states is done in a manner which is absolutely seamless and flawless. But always you will notice that there are certain amount of anticipation which are faced by the politicians and by the people. And therefore, we always try to respect the freedom of expression and action, movement and religion. However, on the contrary, some of the people do feel that they often experience rampant inequalities, injustice, or unfulfillment of social expectations. And with that, ladies and gentlemen, I would now like to request to my right, Dr. Anil Tripanianji, to just give us as to what are his perceptions about good governance and what does he feel that a country could do much more or do the extra mile before we are not ideologized as a Bharat Desh who has proved itself in 75 years to be one of the greatest, largest democracies. What does he feel about it and his perception? We respect him very much because Anilji is known in the country for giving very animated, very balanced view. So may I now request Anilji to please. Thank you, Jana sir, for those kind words and namaskar to everyone. My heartiest congratulations to Sushma ji for organizing this event and inviting us all again. So it's a great pleasure. It is indeed a very important question because that affects us all. There is no doubt about it. The governance in the country, and especially in a democratic governance, things are very different compared to what happens in the autocracies. And here, people are the masters. And that is something that neither the civil services nor the politicians should forget. That they are people's servant. Unfortunately, we have seen very often that, and they are all part of the bureaucracy, that instead of service, we became masters. And that is one of the worst dimensions of any democracy. Now, you are aware that this meeting is taking place at a very important time. Only 2 days ago, on 13th and 14th, Prime Minister Modi hosted the Parliament 20. So we had the delegations from large number of countries, more than 350 delegates participated, the speakers and others. And their focus was also again the same as was the G20. And that was the parliaments for one earth, one family, and one future. Now, as Abraham Lincoln has said, and you have also quoted, sir, that the government is by the people, for the people, and of the people. That should be the governance architecture. It has not changed. India is said to be the mother of democracies. We have an experience for a very long time. But then there is something else. We get the government that we deserve. That is also a thing. So that means our role becomes increasingly important in what kind of a governance we want. It is a choice of people.
and whether they are going to choose it through the body ballot or through the bullet. So very fortunately, India is a country which is respected all over the world because of the way we choose our governments through the ballot box. An Indian citizen, whether he's educated or not, is highly politically conscious. And therefore, he looks at the country's interest first, his interest first, his preferences, and then pass it. And that is why we are where we are. In any democracy, it is most important that constitution of the country must be sacrosanct, which means the division of powers. They must be respected. You mentioned about the four pillars. Of course, the parliament, I call that as parliament. Another P is powerful judiciary. Purposeful executive. And then people-centric press and media. And above all, the fifth P is the people themselves. So it is very important in a democracy that people become or remain vigilant for all the organs of the government, or all the four pillars, then only you can ensure a proper governance. It's extremely important. We are unfortunately looking at a situation where some of the pillars are not performing to their utmost. Who will account for that? It is only us. Because it's citizens. It's citizens' democracy. So it's extremely important. The press and media must also be above board, because their role is extremely important in calling out what is right or what is not right. And they must be vigilant. Another thing I say in today's, criminality and corruption are the two things that undermine the governance the most. So there are certain reforms needed, in my view, whether it comes internally or externally or morally by the politicians themselves. You know, until and unless we have a situation where a politician who is arraigned by the court or has been, without being proved criminal, fortunately or unfortunately, our judicial system says that you are not guilty until otherwise you are proven guilty. So therefore, but morality is most important in politics also. So if you feel that if it comes from the people, then I am going to represent my people. It is very important for them to do so. So I should come with a sense of morality and purpose. Then only you can do the service and stand up as a leader of the nation or a leader of your people or the people you represent. It's extremely important. Another thing I think is that in our system we should also change something like the right to report. That must be introduced. If the people feel that a representative is not able to perform, it is important that the people can decide by the same vote through the electoral commission that we must have a nota or the right to recall anybody who is not performing to them. So I think that there are things, but at the same time, as was mentioned by you, we are not only the largest democracy, not even the oldest democracy. We are the proudest democracy in the world. This is the only country we have seen. We talk about United States on January 6th and 20th. You have seen that the country was no transfer of power, which calls itself as the greatest democracy. But in India, we never had a problem like that. The moment the results have come, there have been the smoothest transition. And that is a kudos to our political system. But we must remember always, the constitution is the god of a democracy. Thank you very much. Ladies and gentlemen, I think Dr. Aneti has very lucidly exemplified. And let me tell you, none of us over here in this audience, or even beyond, should have any doubt. I'm not only talking about India, I'm talking about the diaspora across the frontiers. It should transcend. You know, at no point of time, I think the oldest civilization of the country, oldest civilization,
on this planet, naturally. It's a land of great Sufis and saints. It's a land which has got great depth of meaning, ethnicity. It has tremendous amount of traditions and customs which runs across more than 10,000 years. So let not any other country try to asperse or try to do down. You should be so proud of the country that your strategic communications are able to communicate as to what is the policy of the country. You must have heard your external affairs minister, Mr. Jayashankar, who has a big hand for Sushma ji, for she is called Shakina by me. She is called the pillar of fire. Big hand for her. She lived up to my expectations. I call her the pillar of fire. There's a word in the English language, it's called Shakina. So I think she's lived up to my expectations. So what I was telling you about India, you all should be very proud of your country. You've seen what is happening in the world, in West Asia. There are a whole lot of countries nibbling at each other, fighting against each other. There's so much of bellicosity and animosity which is coming up. And Anilji has been a diplomat. He would also like to agree, and very correctly said about criminalization of the Indian and global electoral drive. Politics, this next one, actually, if you have to try to understand, it takes a little bit of time. But we always say political power and immoral gains is touched upon that. No negation, that is of democratic values. Intolerance, rising radicalism, and shrinking liberal space. Recent insurgence of religiosity. There should be no lines drawn between. We all have to be more tolerant. We have to go hand in hand in cadence with each other. At no point of time should we ever think that all this would remain very peaceful. No. If you don't, on the contrary, there would be internal conflicts. I would like to request my colleague and fellow panelist, General Jagvi Singh, to kindly share his perceptions on the subject, exactly what has been spoken about today this morning by Dr. Anilji. I would request that Jagvi speak. Thank you very much, sir. At the outset, I wish to state that it is indeed a great honor and privilege for me to have been invited here to be part of such a distinguished panel by Dr. Sushma ji, the chairman of OASIS Global University and the chairman of OASIS Global World Record. Today, as has been stated by everybody, is a very special day because it is the day, the 92nd birth anniversary of Dr. APJ Abdul Kalam, our 11th president, who was also awarded the Bharat Ratna. Now, he was renowned in various fields, and he was an outstanding scientist, as has been brought out, known as India's missile man. He led in the space of missile research as well as space exploration. But he was also affectionately known as the people's man. And he had once said that there are four things that must be remembered: having a great aim, acquiring knowledge, hard work, and perseverance. And he said that everything and anything can be achieved. So we should always keep this in mind, and I'm sure Dr. Sushma ji has kept this in mind as far as the university goes and as far as instilling a sense of purpose in her students goes. That is most important. But more than anything else, Dr. APJ Abdul Kalam was a man of great simplicity in his behavior, but his ideals and vision and values are something very special. And importantly, he remained extremely popular even after he diminished office. So these are some things, traits of people that stand out and we should always remember. Now, he was appointed a president by a great democratic procedure which is there in the country. So the first thing I'd like to say is we have a great procedure of democracy in our country, and one of the things everybody talks about, knows about, is the elections that take place frequently to elect people. So people feel that that is democracy, but that is just the edge of democracy. I have been fortunate to have served in all parts of India. I've been fortunate to have worked with people who belong to all parts of India. And one thing that we're all, everybody is proud about,
is the functioning democracy in the country and has been brought out by my fellow panelists. Each of these pillars, the four pillars, be it the legislator, be it the executive, be it the judiciary or be it the media, one of them is entirely independent, the media. Each one has a responsibility and yet they have to function within the laid down bounds. And as the ambassador rightly brought out, we must always respect the constitution. The constitution stands head and shoulders above everything else. And one of the main aims of the judiciary is to see that the constitution is respected and the constitution is followed and the constitutional principles are adhered to. So you have to safeguard those principles of the constitution. And democratic ideals, everybody's spoken about, everybody's talked about. You must respect human rights. You must respect fundamental freedoms for people. And there should be separation of powers, which is always there in our country. As they said, all men are, you know, created equal, endowed with unalienable rights. And General Gadeo talked of life, of liberty, and of pursuit of happiness, and that is extremely important because the role of the government is to ensure that the individual's rights are protected. Our biggest ills of democracy have already been highlighted. Corruption is one of the major ills, and that leads to problems in institutes, and then you see a decay taking place in institutions. So once corruption, the biggest fallout is the decay in institutions and the manner in which your functioning takes place. And the last point is intolerance, which you cannot tolerate. So to end with, I'll always say that I remember a poem that used to be taught to us in school, and this was by Tagore, and he said that we should be in a country where the mind is without fear. And I think that is something that is very important. Mind without fear and not being broken up into, you know, narrow fragments by domestic issues. Thank you very much, sir. Thank you, thank you, Chairman Dugdale. Thank you very much. I would like to have a mic with more perfect. But we heard both the panelists right now expound and explicate on the good governance, as it's a very critical issue which requires attention and mitigation of grievances of our people. Notwithstanding the multi-spectral transcendent progression, Bharat Desh Mahan is fast growing into the one of the world's leisure economies. I think as I speak today, besides doing well in cricket, international cricket, I think India is now one of the fastest moving economies. We are right now moving up to the third or the fourth position. I think from the fourth, jumping on to the third position. And I can also tell you that we require to consolidate on our strengths, that is of our nation, eradicate the weaknesses. And I think it, ladies and gentlemen, requires collective wisdom to kindly do that. Each one of you requires to pursue yourself not only for alleviation, that is of poverty, but dignity, that is to humanity, and also, I'd say, in the end, that we require to have a very progressive, that is, cultural dynamics in the final democracy of the world. And very briefly, in the next few minutes, we are going to take on to the second session, and that happens to be to deliberate on empowered ex-servicemen leadership roles for their contribution to good governance and leadership. But before I start, I would request all of you to kindly put your hands together. A big hand to the ex-servicemen of the country. Right. We got a lot of senior marshals, admirals and generals present over here and other ends. Why I said put your hands together? Because we happen to be the custodians of the nation's peace and security. There's no doubt about it. Now when I say that, we guarantee peace and security. Now you see what's happening in the world, in the columns of fire. You know what is happening in Eurasia between Ukraine and Russia. You see what's happening between Israel and the Hamas and Palestine. Who protects the country? It's the soldiers, the maritime sailors and the airmen. But above all,
It is the sentiment of the people. So big applause for the country citizens who put together their collective wisdom and made sure that the country is bound together. To radically improve outcomes in rural infrastructure, ex-servicemen from the armed forces, ladies and gentlemen, I must tell you, are very, very credible. They are not only disciplined, but a very credible workforce, educated, who could contribute manifold, not only to the villages, but also to rural development, and also in most of the ministries, as I have spoken to a large number of cabinet ministers, and to secretaries in the Government of India. And they surely do tend to believe in what we have to see. Now, my book, which is From War to Peace, exemplifies as to how the ex-servicemen could contribute with their self-motivation, rich experience, discipline, fast-oriented, and they are moving always on fast track. We are not used to be laggards. We are fast-track people in the armed forces who believe in only one thing, augmentation and transformation, like the diplomat sitting on to my right. Well, mission-oriented thrust areas are very important. We are all, not only individually, but we are all paragons of ethical and transformational leadership with veritable ingrained morals and righteous conduct focused on duty, honor, and country. These three words are ingrained in every soldier, sailor, and hero. But Shushmaji is trying to signal that we are running out of time. We'll have to cut down this discussion. So I'll only say that three very important words I use. All of us, whatever I have said, in as far as ex-servicemen's contribution, each one of us must believe in the credo fundamentally, practice it religiously, and make sure that we live by it virtuously. Well, I'll cut down this discussion. I'm sorry, we are running out of time. So, whatever the lady in the red coat says, we go by her. And she's the Shekinah, the pillar of fire. You just saw her in action. I'll cut down, but I'd like to thank both the panelists, the diplomat. Congratulations to you for writing such a beautiful book. Thank you. Thank you very much, lady. I would like to call upon stage E.R. Lalan Kumar ji, MLA, Peerbandi Bihar. Please come on stage with a huge round of applause. Advocate Juhi Arora ji, Advocate Supreme Court, please come on stage now with a huge round of applause. I would now like to request Major General Dr. Rajan Gujar, sir, to please take up the mic. A warm good afternoon to everybody, or sabko. आज के दिन की शुभकामनाएं. आज डॉक्टर कलाम जो हमारे 11th प्रेसिडेंट हैं, उनका बर्थडे एक साथ बना रहे. और एक बहुत ही एमिनेंट पैनल है आज मेरे साथ, जिसमें डेमोक्रेसी के पिलर्स आपके सामने हैं, जुडिशरी और लेजिस्लेचर. ये दो इम्पोर्टेंट पिलर्स हैं, और इसलिए मैं डॉक्टर सुषमा को तारीफ के पात्र एक्चुअली बनती है, बिकॉज जिस प्रकार का पैनल सेलेक्ट किया गया वो एक मैसेज देगा आज हमको कि गवर्नेंस इन
डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, बिकॉज बहुत पेचीदा मामला है। हम अपने आप को बोलते हैं कि हम एक डेमोक्रेसी है, क्या हम वाकई एक डेमोक्रेसी है? ये सोच है और इसके लिए सोचने की जरूरत है, और जब तक हम इसके ऊपर विचार नहीं करेंगे, हम इसके ऊपर मंथन नहीं करेंगे, हम अपने देश को मजबूत नहीं कर सकते। ये बहुत जरूरी है। आज हम देखते हैं कि सारे लोग बोलते हैं कि डेमोक्रेसी के जो पिलर्स है वो लेजिस्लेचर है, ज्यूडिशरी है और एग्जेक्टिव है, और इस पर मैं एक और पिलर शामिल करना चाहता हूं और वो है मीडिया। बिकॉज जिस हिसाब से आज आपका मीडिया है, और अगर आपका मीडिया इंडिपेंडेंट है और अगर वो लोगों के विचार, जनता के विचार सामने रखता है गवर्नमेंट के लिए, सबके लिए, तो मैं मान सकता हूं कि आज हमारी जो डेमोक्रेसी है वो मजबूत है। तो सोच विचार का टाइम है, और कुछ इंपॉर्टेंट एक गुड गवर्नेंस जिसको हम बोलते हैं कि हम क्या अपनी कंट्री को अच्छी तरीके से गवर्नेंस हमारे देश में हो रही है, तो उसके 6-7 पहलू हैं जो मैं सामने रखूंगा, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा पैनलिस्ट को, जो हमारे दो डिस्टिंग्विश पैनलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट जूही जी और एमएलए लंदन जी, इसके ऊपर अपने व्यूज दें, बिकॉज अच्छा लगेगा ये ऑडियंस भी यहां पे दोनों के व्यूज अच्छी तरीके से सुने। एक गुड गवर्नेंस का सबसे पहला इंपॉर्टेंट होता है डेमोक्रेटाइजेशन, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। हमारा इलेक्शन कमीशन और जिस हिसाब से हमारे इलेक्शन होते हैं आजकल, मुझे ये पूरी उम्मीद है और ऐसा लगता है कि फ्री और फेयर हो। कुछ 1-2 अगर परसेंट इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है तो हम देखते हैं और इनके व्यूज लेते हैं इसके बारे में। दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, जो आज हमारा एक सिस्टम है जिससे हम अपने नेता चुनते हैं, क्या इसमें बदलाव की जरूरत है? क्या हम क्रिमिनल्स को भी नेता चुन सकते हैं और उनको पार्लियामेंट में बिठा सकते हैं? ये मेरा एक दूसरा क्वेश्चन रहेगा इन दोनों के लिए। तीसरा, जुडिशियल सिस्टम जो एक पिलर है गवर्नेंस का, क्या तारीख पे तारीख पे तारीख हम ये सुनते आए हैं, क्या ये तारीख पे तारीख आगे हमको सुनने की जरूरत पड़ेगी? और अगर इसको नहीं पड़ेगी तो इसका इलाज क्या है? इस जूही जी आज इसका डायग्नोस करेंगी और एक एंटीबायोटिक बताएंगे इसके लिए, इसको हम कैसे अपने सिस्टम से निकाल सकते। नेक्स्ट एस्पेक्ट है इंडिपेंडेंट सिविल सोसाइटी, क्या आज हमारी जो सिविल सोसाइटी है सबके पास हक है बोलने का जो वो बोलना चाहते हैं? सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, हमने ट्विटर, आजकल उसको एक्स बोलते हैं, तो ये सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। और लास्ट 2 पॉइंट मेरे हैं, रूल ऑफ लॉ, जो कानून बना है वो क्या कानून सारे पहलुओं को कवर करता है एक अच्छे गवर्नेंस के लिए? और लास्ट है ह्यूमन राइट्स,
जिसके बारे में हम बात करते हैं, इतनी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, हम देखते हैं कि मणिपुर में क्या हुआ था, ह्यूमन राइट्स, हम जम्मू एंड कश्मीर में भी इसके बारे में बात करते हैं और नॉर्थ ईस्ट में भी इसके बारे में बात करते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट हमारे इश्यूज हैं, हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो दोनों पैनलिस्ट को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मैक्सिमम 5 मिनट में, जो एक नेता के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो रवि जी ने मेरे से पूछा कि 5-6 मिनट तो मिल जाएंगे ना, तो मैंने बोला सर आपको जरूर मिलेगी, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा दोनों को 5 मिनट में ये जो एरिया मैंने कवर किए हैं इसके बारे में और उनके अपने विचार, और भी जो उनको ऐसा लगता है कि और भी कुछ एरियाज हैं जिनके ऊपर हम बात कर सकते हैं, अपनी जनता है हमारे सामने। तो मैं पहले एमएलए ललित जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमारे सामने अपने विचार रखें। धन्यवाद। वेलकम एवरीबॉडी। कलाम साहब के हम लोग उनका प्रदेश से रिलेट कर हर भारतवासियों के दिल में बसते हैं कलाम साहब, और हम ओएसएस ग्रुप एंड पीपुल्स डेमोक्रेटिक फोरम की ओर से भी आपका हम स्वागत करते हैं। मैं डेमोक्रेसी बहुत ब्रॉड है कि हम लैंड ऑफ डेमोक्रेसी से, इंडिया इज द लैंड ऑफ डेमोक्रेसी, लेकिन हम इंडियन डेमोक्रेसी पर प्राउड नहीं कर सकते। इंडियन डेमोक्रेसी सिस्टम पर हम आई एम सेइंग वेरी ऑनेस्टली कि हम प्राउड नहीं कर सकते भारतीय लोकतंत्र पर और यहां लोकतांत्रिक सरकार, बिकॉज अभी हमारे कुछ सीनियर्स बता रहे थे कि इंडिया में डेमोक्रेसी को डिफाइन ही नहीं किया गया, और जो डिफाइन किया गया बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि जो रियल डिफिनेशन है, जो डिफिनेशन क्या होते हैं, डिफिनेशन से किसी भी चीज के, किसी भी फिनोमेना के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव क्लियर होते हैं, लिस्ट द बाय द पीपुल फॉर द पीपुल ऑफ द पीपुल, क्या क्लियर कर रहा है, कुछ भी नहीं क्लियर करता। आई कैन से दिस इज द इनकम्प्लीट डिफिनेशन ऑफ द डेमोक्रेसी। तो कंप्लीट डिफिनेशन डेमोक्रेसी का क्या है कि डेमोक्रेसी का वे ऑफ गवर्नेंस बाय द पीपुल फॉर द पीपुल ऑफ द पीपुल विच ब्रिंग्स द रिवोल्यूशनरी चेंज इन सोशल एंड इकोनॉमिकल स्टेटस ऑफ द पीपुल विदाउट एनी प्रेशर, दैट कॉल्ड डेमोक्रेसी। ये डेमोक्रेसी का हमारा एम्स और ऑब्जेक्टिव क्या है, सोशल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, ये चीज को समझना चाहिए। दूसरी चीज क्या है, देर आर मेनी काइंड ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम इन द वर्ल्ड, अमेरिका है रिपब्लिकन डेमोक्रेसी, इंग्लैंड ब्रिटेन ये चीज है मोनार्की डेमोक्रेसी, बट इंडिया है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। और अभी हमारे सीनियर्स कह रहे थे कि इंडियन वोटर्स आर वेरी कंसर्न, इंडियन वोटर्स आर अनकंसर्न, इंडियन वोटर्स आर हॉस्टाइल, उसको पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का इल्म नहीं है। देयर इज नो इन इलेक्शन फॉर द पीएम एंड सीएम इन द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, इसको समझना पड़ेगा, को समझना, ये समझ नहीं पा रहे। अब हमें इंडियन वोटर्स का राइट है कि वो अपने विवेक से, अपने अनुभव से, अपने सूझबूझ से एक अपने जनप्रतिनिधि एमपी एमएलए का सिलेक्शन करें। लेकिन अभी हमारे गार्जियन बोल रहे थे कि हम क्रिमिनल को वोट चुन लेते हैं और किसी गलत आदमी को चुन लेते हैं। आज जान लीजिए कि क्या हो गया है डेमोक्रेसी में, कितनी बीमारी पड़ गई है कि किसी रेप्यूटेड पार्टी से टिकट पा लेना ही एमपी एमएलए हो जाने का 99% गारंटी है। आप कितनी दर्शन समित हैं, कितनी मनमोहनी है, कितने भी देश से समाज को प्रेम करते हैं, अगर आपको किसी रेप्यूटेड पार्टी से टिकट नहीं मिलता, निर्भर नहीं मिलता, तो आपका एमएलए एमपी बनना बहुत मुश्किल है, असंभव सा है। तो आपकी पूरी एनर्जी और हम लोगों की क्या है, वी आर जो सिस्टम है, जो इंडियन वोटर्स जो अनकंसर्स है, इनके वजह से हम अपने पॉलिटिकल अपने पार्टियों के प्रति रेस्पॉन्सिबल है, इंडियन सिटीजन के प्रति, वोटर के प्रति, पीपुल के प्रति रेस्पॉन्सिबल, यानी अपने पार्टी के प्रति।
इसलिए हम हर जगह ईमानदारी के साथ कहते हैं हम अपनी पार्टी की एडवोकेसी करते हैं, समाज और देश और राष्ट्र की एडवोकेसी हम नहीं कर पाते हैं इस वजह से। दूसरी चीज क्या है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, अब जो हमारा गोल एम्स एंड ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिकल एंड सोशल चेंज कैसे आए, सामाजिक और आर्थिक उन्नति कैसे हो, आप समझ लीजिए कि हमारा जो यहाँ कॉमन स्कूलिंग सिस्टम है, कॉमन हेल्थ फैसिलिटी इनको नहीं प्राप्त है, आप समझ के इंडियन वोटर्स आर रियल और टैक्स पेयर, और हम कह रहे हैं ऑल आर इंटेलेक्चुअल हियर कि टैक्स पेयर है मोर देन 80% टैक्सेस जो इनडायरेक्ट टैक्सेस जीएसटी के रूप में आ रहे हैं, और जितनी हम एमएलए हैं एमपी हैं सरकारी गवर्नमेंट सर्वेंट है पब्लिक सर्वेंट है, हम लोगों का जो पेमेंट इंक्रीज होता है हम जनता के नौकर हैं सीधे तौर पर, इस बात को मानना चाहिए। एमएलए एमपी अधिकारी कर्मचारी देश के मालिक नहीं हो सकते, हम जनता के नौकर, लेकिन बड़े दुख के साथ अफसर के साथ कहना पड़ता है जिस मालिक ने हमें एमएलए बनाया एमपी बनाया हम सब अधिकारी जिनके लिए बने हैं कर्मचारी बन के बैठे हैं और जिनके गाड़ी कमाई से रिक्शा चालक भी एक वो टैक्स पे करता है जीएसटी पे करता है, इवन एक भिखारी भी अगर दिल्ली के चौराहे पर कोई भिखारी भीख मांग दिन भर के 200 रुपए का भीख मांगता है मैं समझता हूँ लगभग उसके 40 रुपया तो जीएसटी के तौर पर सरकार के खजाने में जाता है और सरकार के खजाने से हम जैसे एमएलए तमाम सरकारी कर्मचारियों पे सैलरी के रूप में आते हैं, लेकिन हम करते क्या है आज हमारे बच्चे दूर स्कूल में पढ़ते हैं कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं क्वालिटी एजुकेशन ले रहे हैं, लेकिन जो इस देश का रियल ऑनर जिसके लिए डेमोक्रेसी आई थी उनके बच्चे खिचड़ी वाले स्कूल में खिचड़ी चाह रहे हैं, ये हमको विचार करना होगा। इंटेलेक्चुअल ही सोचेंगे कहीं सोचेंगे आप सुनाइए जिनके मेरी माँ का हार्ट अटैक हुआ मैं एमएलए था मेरे एमएलए के प्रभाव से वहां पर गांव में उनको बचा लिया गया। हम यहाँ भारत की साकेत के साकेत में मैक्स साकेत उनका सर्जरी होता है वो जी जाती है 9 दिन रहती है आईसीयू पर और वो जी जाती है स्वस्थ हो जाती है, लेकिन मुझे इस बात का दुख हुआ मैंने मीडिया में जाकर कहा मैं बहुत दुखी हूँ मेरी माँ तो जी गई तो, लेकिन मेरे मुझे बहुत दुख है जिसने मुझे विधायक बनाया वोट देकर जिसके टैक्सेस के पैसे से अपने माँ का मैंने इलाज कराया वो अपनी माँ को नहीं बचा पाएगा तो हार्ट अटैक हो जाएगा। ये रियल सीरियस मित्रों हमको हर हाल में कॉमन एजुकेशन की तरफ जाना पड़ेगा, और जाने लीजिए मैं विधानसभा में हूँ ईमानदारी से कहता हूँ कि मैं विधानसभा में लगातार ये उठा रहा हूँ विभिन्न माध्यमों से जितने भी सरकारी सैलरी होल्डर है चाहे एमएलए हो एमपी हो अधिकारी हो कर्मचारी कोई भी जिनका पेमेंट इंक्रीज होता है वो जिस दिन सरकार एक कठोर कानून बनाए अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाए और अपना अपने परिवार का सरकारी अस्पताल में बंद दिन कराना शुरू कर दे उसी दिन प्राइवेट स्कूल में ताले लग जाएंगे और सरकारी स्कूल हमको कभी को करना चाहिए जान लीजिए। मैं एक हमारे आईकॉन एक्सप्रेस का मैं एक इंटरव्यू देख रहा था मैंने उन्होंने कहा कि हम लोग सवेरे जगते हैं चाय लेते हैं बैटरी लेते हैं बच्चों को तैयार करते हैं और उसके टिफिन तैयार करते हैं बस स्कूल बस में ठूस करके अच्छी क्वालिटी एजुकेशन के लिए भेज देते हैं, नतीजा ये होता है हम बगल के पड़ोस वाले क्योंकि जो फिल्म नहीं देख पाते उनके बच्चे क्या करते हैं वो स्कूल गए नहीं गए, नतीजा ये होता है हमारे बच्चे अधिकारी बन के आते हैं उनके बच्चे क्रिमिनल और नक्सल और आतंकवादी बन के आते हैं, दोनों का सामना होता है दोनों का भविष्य है। एक ग्लासियल सोसाइटी निर्माण हो गई है, समय 5 मिनट का है तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि हमको इनिशिएट करना पड़ेगा। हमने एक पीपुल डेमोक्रेटिक फोरम किया है सुषमा जी का वशिष्ठ ग्रुप का हम बहुत ही धन्यवाद और वेलकम करते हैं आभार व्यक्त करते हैं आपने इतना अच्छा काम किया और मैंने जिंदगी में सोचा है कि मुझे अब जो भी त्याग करना होगा छोड़ना होगा छोड़ देंगे विधायकी छोड़ना होगा छोड़ देंगे, क्योंकि मैं इंटेलेक्चुअल से डायनोस करना चाहता हूँ कि आज का जो पॉलिटिकल सिनेरियो है इंटेलेक्चुअल उससे बाहर है, कोई भी गवर्नमेंट हो उनका प्राण वोट में बसता है, उनको सरकार ईमानदारी से कहते हर एक पोलिटिकल पार्टी का उनका प्राण वोट में बसता है और उस सरकार बनाने उनका परम लक्ष्य के बाद होता है, लेकिन आप बता दीजिए कि इंटेलेक्चुअल जो है भारतीय राजनीति को प्रभावित नहीं करते नहीं करते। आज भारतीय राजनीति में दो ही लोगों का बोलबाला है, एक वोट बैंक वाले का दूसरा नोट बैंक वाले का, जो ज्यादा वोट दिला दे जो ज्यादा नोट दे दे आज वोट बैंक वाले 5 किलो अनाज लेकर खुश है कल 10 किलो मिलेगा 20 किलो मिलेगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि सभी पॉलिटिकल पार्टी ये कहने के लिए तो तैयार है हम तुमको ये देंगे वो देंगे, लेकिन किसी पॉलिटिकल पार्टी को ये दम नहीं है मैं वो देने जा रहा हूँ मैं तुम्हारे बच्चे को वही स्कूल दूंगा जो
जो स्कूल मैंने अपने बच्चे को दिया है कहने का किसी को दम नहीं है। कोई नहीं कह सकता है देश में मैं तुम्हें वही अस्पताल वही सुपर स्पेशलिटी अस्पताल उपलब्ध कराऊंगा तुम्हें तुम्हारे परिवार को जिसको मैं यूज करता हूं। आज ये कहने वाला किसी एथलीट से निकल कर आना पड़ेगा तब जाकर के भारत में दिया लोकतंत्र की स्थापना होगी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का ये होगा। मित्रों और जो हमारा जो है इंटेलेक्चुअल फांसे पर है आप न सरकार बना सकते न बिगाड़ सकते। हम चाहते हैं कि समाज में जाए और दो चीज है हमने जीवन में जो भी हासिल किया आज इतना ही कहेंगे वो बे बैटर सोसाइटी समाज को मनुष्य समाज ह्यूमन बींग सोशल एलिमेंट हमको समाज को रिटर्न करना होगा ये करना ही पड़ेगा। इसलिए हम इतना ही कहेंगे कि हवाल आपको सुझाई दिया हम लोग हॉस्टाइल वोटर हॉस्टाइल है अपने एमपी एमएलए के बजाय प्रधानमंत्री मंत्री बनाने रहते हैं हम लोग हॉस्टाइल है जिस जनता के वोट से चुनाव जीत कराए हैं उनकी भला करने के बजाय अपनी पॉलिटिकल पार्टी अपनी पार्टी को ही सब कुछ मानकर उनकी भला करने में लगे हैं जबकि भारतीय जनता पार्टी के से बिलोंग करते हमें सिखाया जाता है भुट्टी की तरह पिलाया जाता है व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश देशी है इस देश को बचाना है जिन का स्वस्थ पाना पड़ेगा हम इन्वाइट करते हैं वेलकम करते हैं। थोड़ा मैं जो नंदन जी ने बोला है अभी उसके बारे में हम सबको विचार करने की जरूरत है और जो बोला है वो एक देश के लिए बहुत जरूरी है। हमारे देश में बहुत इंटेलेक्चुअल ताकत है पर हम उसको इस्तेमाल नहीं करते। जनरल गड्डियों ने यहाँ पे वो एक सर्विसमैन के बारे में बात कर रहे थे कि इतने हमारे एक सर्विसमैन है और हम काफी यंग एज में रिटायर हो जाते हमारे जो जवान है वो 42-44 की एज में रिटायर हो हमारे जो ऑफिसर्स हैं वो 52 से लेके 55-56 की एज में रिटायर हो जाते हैं तो अभी भी उनमें और साल देश को देने की क्षमता और इसीलिए ये एक विचार है जो मैं आपके जहन में छोड़ के जाना चाहता हूं और इसके बारे में हमको और चर्चा करने की जरूरत है। ललन जी बहुत अच्छा आपने एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया और हम उम्मीद रखते हैं कि सिस्टम में बदलाव होगा। अब मैं रिक्वेस्ट करता हूं एडवोकेट यू जी को वो एक टीवी पर्सनैलिटी भी है बहुत अच्छा बोलती है और बहुत अच्छा लड़ती है भी कोर्ट में और इनकी अपनी फॉर्म भी है तो मैं इससे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने विचार सामने रखें। सबसे पहले धन्यवाद सर आपके इन शब्दों का जो अपने आप में मुझे बहुत ज्यादा आभारी करते हैं कि मैं अपने बारे में इतना नहीं बोल पाऊंगी पर सर ने इतना कुछ बोला मैं कुछ समझती भी नहीं हूँ कि मैं इतना कुछ अच्छा कर सकती हूँ। सर ने इस तरह से शब्द बोल के मुझे मोटिवेट किया है। दूसरा सुषमा जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि इस तरह से एक मंच पे इतने लोगों को आमंत्रित करके इकट्ठा करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि लोग आज के डेट में अपने लिए 5 मिनट का समय नहीं निकाल सकते और इस तरह से आके अगर वो दूसरों को सुन रहे हैं तो अपने आप में ये हम सबके लिए बहुत ही सराहनीय इस चीज के लिए सबके लिए जोरदार तालियां क्योंकि लोग आज के डेट में किसी को सुनना पसंद नहीं करते सिर्फ मोदी जी को सुनना पसंद करते हैं और उनको सुनने के लिए लोग टीवी के सामने बैठ जाते हैं पर अगर आप इन सब हम सबको अगर अपने जीवन के 5 मिनट भी दे रहे हैं तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं क्योंकि हम एक बहुत ही अच्छा दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं डॉक्टर अब्दुल कलाम जी की जन्म दिवस पे। तो इसमें मैं ये चीज बोलना चाहूंगी कि डेमोक्रेटी के बारे में सर ने और इससे पहले जो पैनलिस्ट थे उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया और इसमें मैं क्या बोलूं मैं सर इतना सा बोलना चाहूंगी कि आप मान के चले कि ये कंट्री में हम डेमोक्रेटिक कंट्री की अगर हम बात करते हैं तो हम यहाँ बात करते हैं कि हमारे पास कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जो हमें मिलता है कॉन्स्टिट्यूशन से और फंडामेंटल राइट्स की जब हम बात करते हैं तो फंडामेंटल राइट्स से पहले क्या हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है क्योंकि जो इंसान अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज अपने तरीके से निभाएगा तो उसको अपने अधिकार मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी उसको कोर्ट जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको अपने राइट्स अपने आप निभाने और ये जो
है चलन, ये आज से नहीं है, ये राम लगा के युग से ये चलन है। अगर आप देखें श्री राम जी से हमें क्या सीख मिलती है, वो यही सीख मिलती है कि उन्होंने मर्यादा हमेशा रखी। तो आज की डेट में अगर आप उन्हीं से सीखें कि हम भी अपनी मर्यादा में रहें, तो हमें भी अपने अधिकारों का झंडा कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मर्यादा के साथ साथ उन्होंने अपने पास अपना शासन होने के बावजूद भी उन्होंने लोगों के साथ एक समानता रखी, छोटे बड़े पशु वानर सब चीज में सबको अपने साथ लेके चले, सबसे सलाह करते रहे। ये एक अपने आप में डेमोक्रेटिक का संदेश था जो उन्होंने उस युग में दिया। तो हम आज आके नहीं बोल सकते कि हम आज पहली बार इस कंट्री में इस तरह से हम देख रहे हैं, ये तो उस युग से चला आ रहा है। सिर्फ ये है कि हम लोग भूल जाते हैं कि हमारे अपने खुद ड्यूटीज भी है अधिकार से पहले। अगर हम अपनी ड्यूटीज को अपने तरीके से जिस तरह से श्री राम की सीख से चलते हुए अगर हम निभाएंगे तो हमें फंडामेंटल राइट्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दूसरा, सर ने मुझसे दो सवाल पूछे कि अगर आप तारीख पे तारीख और लॉ और जुडिशरी का क्या संबंध है आपस में, और इस तरह से हम देश आज की डेट में देश विकास कर रहे हैं तो हम कहां आके खड़े होते हैं जुडिशरी के लेवल पे अगर हम बात करें। तो मैं ये बोलूं कि आज के डेट में जो हमारी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो अपने आप में एक बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, इज अ चेंज मेकर। व्हाई? क्योंकि आज की डेट में हाइब्रिड मीटिंग्स को चालू करना, अभी दो दिन पहले का ही जजमेंट था जहां पे सर ने यह बोला है कि सारी कोर्ट्स पैन इंडिया सारी वर्चुअल मोड पे भी जाएंगी। तो ये अपने आप में बहुत ही बड़ा स्टेप है टूवर्ड्स द चेंज ऑफ नेशन। आज कोई इंसान केरला में बैठ के अपनी कोर्ट की प्रक्रिया अगर दिल्ली में सुनना चाहता है सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट में, तो उसको इतने दूर आने की जरूरत नहीं है, ना उसे इतनी दूर आके इनफैक्ट लॉयर्स को भी इतनी दूर आके करने की जरूरत थी। क्योंकि ये एक नया रेवोल्यूशन है जो हमें कोरोना में मिला, लेकिन उसके बाद आज की डेट में हम इस तरीके से इसको बढ़ा रहे हैं। और चीफ जस्टिस का ये एक पहल बहुत अपने आप में बहुत बड़ा चेंज मेकर साबित होने वाला है कि कुछ टाइम में अगर आप देखेंगे कि आपके लिए वो चीज दूर नहीं, कहते ना दिल्ली अब दूर नहीं, उन लोगों के लिए जो यहाँ दिल्ली से बाहर है उनके लिए भी दिल्ली में बैठ के या दूसरे कोर्टों में अपनी वर्चुअल हियरिंग्स को देखना अपने आप में एक बहुत ही इजी कार्यक्रम हो जाएगा। दूसरा, एक गवर्नमेंट की अपने आप में मुहिम है मीडिएशन सेंटर्स खुल रहे हैं, एक नहीं हर जगह पे मीडिएशन को बढ़ावा दिया जाता है। मीडिएशन क्या है? मीडिएशन एक मध्यस्थता है जो दोनों पार्टीज को एक साथ सेटलमेंट करने में मजबूर करती है। अगर आप देखिए आजकल अखबारों में बड़ा खुलखुल किया आ रहा है कि एक बैड सेटलमेंट एक अच्छी लड़ाई से ज्यादा बेटर होता है, मतलब एक बुरा मध्यस्थ जो आपका एक समझौता है वो एक बहुत अच्छी लंबी लड़ाई से बेटर है। तो ये इस तरह की जो मुहिम है जो हमारे लॉ में चल रही है वो प्रयास में एक चेंज ला रही है, एक रेवोल्यूशन ला रही है, जिसमें कि क्योंकि इतने पेंडेंसी है कोर्ट्स में केसेस की और कोरोना काल की वजह से तो बहुत ज्यादा हो चुकी है, और इस वजह से ही हम इस तरीके से अगर हम बढ़ा रहे हैं इस चीज को, मीडिएशन को बढ़ावा दे रहे हैं, तो आप अपने समझौते करके कोर्ट में वर्षों दस दस साल कोर्ट कचहरी करने से अच्छा है कि आप कुछ टाइम में अपने मैटर्स को साथ बैठ के रिजोल्व कर सकते हो एमिकेबली, और आप अपना खुद का निर्णय खुद लिख सकते हो साथ बैठ के, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं खुद एक अधिवक्ता हूँ, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दिल्ली से बाहर हर जगह प्रैक्टिस करते हैं, मेरा खुद के 80% मैटर्स सेटल होते हैं आज की डेट में। मैं कभी नहीं चाहती कि मैं आगे तक जाऊँगा और आगे तक कोर्टों में भी लड़ो और क्लाइंट्स को भी परेशान करो। तो एक तो ये बात है। दूसरा, हम माननीय अपने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने सीखा हम सबने कि हमें आत्मनिर्भर होना है। तो आत्मनिर्भर होना अपने आप में जो हमें सिखाया गया है इस कोरोना काल में, इससे हमें ये मिलता है कि हम अपने आप सक्षम हो अपनी चीजों को करने के लिए, अपने डिसीजन लेने के लिए, अपने बारे में खुद को सोचने के लिए, अपने आप को बढ़ावा देने के लिए इस चीज में हम सक्षम हो। तो आत्मनिर्भर होना भी बहुत जरूरी है, और क्योंकि आज एक बहुत बड़ा दिन है नवरात्रों का, तो और बिना देवी के बात करें हम इस बात को खत्म नहीं कर पाएंगे। तो मेरा ये कहना है कि वुमेन एम्पावरमेंट ये अपने आप में एक सबसे ज्यादा जरूरी है, और ये हो रहा है। आप देखेंगे अभी कुछ दिन पहले वुमेन रिजर्वेशन बिल की बात हुई है, आज की डेट में अब औरतें भी 37% की अधिकार है पार्लियामेंट में बैठने की। अब हम औरतें भी ये जाके ये अपने जो हमारी समस्या है उनको उठा सकती है, और पार्लियामेंट में बैठ के जो लॉ बनता है जो बात पीछे दबा दी जाती है, हमें 33% का अधिकार इसी सरकार ने इसी उसमें सेंचुरी में हमें
जो पैनल डिस्कशन को अभी हम कंक्लूड करते हैं और जूही जी ने जो अभी बोला है नारी शक्ति के बारे में, उसके एक मैं छोटी और अपना चीज कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहता हूँ कि हमारे फौज में पहली बार वुमेन कमांडिंग ऑफिसर्स, जो हम पहले लेफ्टिनेंट कर्नल की रैंक में जो उनको शॉर्ट सर्विस कमीशन और वो छोड़ देती थी, अभी वो कर्नल भी बनेंगी, ब्रिगेडियर भी बनेंगी, जनरल भी बनेंगी। तो एक ये बहुत अच्छा स्टेप है और जो रिजर्वेशन का जैसे अभी 33% की बात हो रही थी, ये एक तो बहुत ही प्रोग्रेसिव स्टेप, बिकॉज जब हम अपनी माँ, अपनी बेटी, अपनी बहन, अगर हम उनको ऐसा बढ़ावा नहीं देंगे तो हम एक अपने आप को एक सक्षम देश नहीं मान सकते हैं। तो ये मेरा विचार है और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इंजीनियर नागन जी को, जो एक नेता होते हुए एक ऐसा सोच रखते हैं, एक प्रोग्रेसिव सोच रखते हैं। और जो जी आपको एक बहुत धन्यवाद, बहुत इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण बातें आपने हमको बताई आज, और ये जागरूकता और आगे बढ़नी चाहिए और ये मुहिम और आगे चलनी चाहिए और मुझे उम्मीद है कि ये होगा। धन्यवाद। जय हिंद। ह्यूमन राइट्स काउंसिल, तो आज का ये जो फंक्शन है ये बहुत महत्वपूर्ण फंक्शन है। ओएसएस ग्लोबल यूनिवर्सिटी एक मेजर स्टेप से आगे बढ़ रही है और मैं इनकी संस्था से पिछले 1-1.5 साल से जुड़ा हूँ और मैं इनका इंटरनेशनल डिफेंस एक्सपर्ट और एडवाइजरी कमेटी में हूँ और बेसिकली ये हम कोशिश कर रहे हैं कि इस यूनिवर्सिटी को और आगे लेके जाएं। डॉक्टर सुषमा बहुत अच्छा काम कर रही हैं, एक अच्छी टीम बनाई है जो इस यूनिवर्सिटी को आगे लेके जाएगी और एक सोशल मैसेज, अब टाइम आ गया है हम अपने यूथ को मोटिवेट करें कि वो एक देश के मजबूत स्तंभ बन सके और एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम जैसे लोगों के लिए, रिटायर्ड जो वेटरन्स हैं, हम अपने एक्सपीरियंस को और अपनी जो सीख है वो हम अपने यंगर जनरेशन्स को दें। तो इस मकसद के साथ मैं कोशिश करता हूँ कि मैक्सिमम संस्थाओं के साथ जुड़ूँ जहाँ पे मैं यूथ और यंग लोगों के साथ इंटरेक्ट करूँ। आप जानते हैं कि हमारे देश में 65% जो हमारी पॉपुलेशन है वो 35 साल से कम उम्र लोगों की है, तो हमको इनको मोटिवेट करना है, इनको मजबूत बनाना है, इनको स्किल्स इनको देने हैं जो स्किल्स के साथ ही आगे बढ़ सके और देश का नाम रोशन कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सोशल सर्विस एज ए गवर्नमेंट सर्वेंट ऑफ करते रहते हैं, कई पार्टी की जनजाति के लिए थी उनके बच्चों को स्कूल में भर्ती करने का काम में शिक्षा किया था और साथ ही साथ आप अभी गंगा जी के सफाई के बारे में काम कर रहे हैं,
गांधी की सफाई के लिए अनेक इकदाम कर कई स्वेटर फैंस का भी हमने तैयार किया है। साथ ही साथ इस कार्यक्रम में जनता को पहुँचने के लिए पीपल कनेक्ट के काफी हम कर रहे हैं। इस सदन में विशेष यूनिवर्सिटी के साथ यूनिवर्सिटी के मेरा नाम अनिल त्रिनायक है, मैं भारत का पूर्व राजदूत रह चुका हूँ और मैं वॉइस ग्रुप सुषमा जी का आभारी हूँ कि उन्होंने आज ये वॉइस ग्रुप में उपस्थित डॉक्टरेट सभी सम्मानित किया। मैं ये देख रहा हूँ पिछले कुछ सालों से किस तरह से सुषमा जी ने और वॉइस ग्रुप की जो ग्रोथ हुई वो एक ऑलराउंड ग्रोथ और उससे जो है किसी भी क्षेत्र की बात करें तो वो नेशन बिल्डिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा मुख्य भूमिका अदा कर रही है उसमें और उसके लिए उनको और उनकी पूरी टीम बहुत बहुत बधाई देती है। मैं एक आर्टिस्ट हूँ और जेनपास फेडरल क्लब की मैं दिल्ली एनसीआर की चेयरमैन हूँ, ऑथर हूँ और मैं सुषमा जी का और ओएसिस ग्लोबल यूनिवर्सिटी का उनका मैं बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इस सम्मान से सम्मानित किया। एंड आई एम अ बिग आई रियली अप्रिशिएट हर हार्ड वर्क एंड आई अप्रिशिएट द डेडिकेशन विद विच द ओएसिस ग्रुप ऑफ फर्म्स has really progressed and today we are celebrating such a big event. I'm also the international chairperson for the Oasis Films and anything to do with creativity and I think Sushma ji is doing an amazing job and thank you so very much for the honor and the privilege. Thank you very much. Program ki success aap sabse hai, mere audience se hai, mere awardees se hai, mere dignitaries. मैं डॉक्टर सुषमा चांसलर ऑशिस ग्रुप यूनिवर्सिटी सीईओ एंड फाउंडर ऑशिस ग्रुप की प्रॉक्टर हमारे बीच में है ऑशिस ग्लोबल यूनिवर्सिटी का डॉक्टर एंड मैं कहूँगी कि जो आपने सक्सेस का वर्ड दिया है ये सक्सेस मेरी अकेले की नहीं है, ये पूरी टीम की है जिसमें सब ने डे नाइट काम किया है। इसमें प्रोफेसर साहब का बहुत रोल है एंड मेरी डिग्निटीज का बहुत रोल है। मीन्स मुझे बहुत अच्छा लगा जब हमें कहा कि मैम ऑनरेरी डॉक्टरेट के लिए क्या कोई हम लोग कोई नॉमिनेशन बचा है क्या। मीन्स वो लोग हमें इस बात में कही जो ऑलरेडी यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर हैं, उन्होंने मुझे अप्रोच किया तो इससे मुझे लगा कि यस आशीष ग्रुप कुछ तो कर रहा है। मैं बताना चाहूँगी कि आशीष ग्रुप मोर देन 30 ईयर्स हो गए हम लोगों को सोसाइटी में सर्व करते हैं, हम सोसाइटी में ऑटोमेटिकली ह्यूमैनिटी के ऊपर काम कर ही रहे हैं। लेकिन आशीष ग्रुप के मैं साथ साथ बताना चाहूँगी आपको कि हमारे आशीष वर्ल्ड रिकॉर्ड आशीष ग्लोबल यूनिवर्सिटी जिसका आज लोकार्पण हुआ है उसने देखा अभी एंड आशीष ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन काउंसिल हमारा जिसके नेशनल जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर आनंद जी आपके बीच में है एंड आशीष फिल्म प्रोडक्शन हाउस। आशीष फिल्म प्रोडक्शन हाउस हमारा वैसा प्रोडक्शन हाउस नहीं है, हमारा हमने इसमें भारत के हुनरबाज के ऊपर काम किया है। देश के कोने कोने से हमने बच्चों को सिलेक्ट किया, ऑलमोस्ट मेरे पास 4200 बच्चों का डाटा था और उसमें से हमने 700 को पहले सिलेक्ट किया एंड 700 को सिलेक्ट करने के बाद डे नाइट हमने उनके ऑनलाइन ऑडिशन रखे, कभी मॉर्निंग 4 बजे ऑडिशन कभी इवनिंग में, डे नाइट हमने उनका ऑडिशन करके उसमें से 20 बच्चे आज परफॉर्म कर रहे हैं इस पूरे दिन इस मंच के ऊपर। वो बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं, त्रिपुरा से हैं, मेघालय से हैं, गोवा से हैं, पणजी से बच्चा आ रहा है मेरे पास। तो ये एक मेरे लिए मुझे था कि हाँ मैंने कुछ सोसाइटी के लिए किया है एंड हमारा विशेष नेशनल ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन काउंसिल के अंदर डॉक्टर साहब कहेंगे हमने जो आज 15 ऑफिशियल्स हैं जिनको आज हम ज्वाइनिंग दे रहे हैं उसका श्रेय भी हमारे नेशनल जनरल सेक्रेटरी को जाता है जिन्होंने मीन्स वो चीज़ें खोजी, वो हीरे खोजे हैं जिनको हम विशेष नेशनल ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन काउंसिल की थोड़ी सी बागडोर थमा सकते हैं। मीन्स हमारे इसमें इंटरनेशनल जो हमारे चीफ एडवाइज़र हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल मेजर जनरल राजन कोचर सर हैं और डॉक्टर एपीजे कलाम जी का जो जन्मदिन उसी पर आ रही हूँ रुकिए। मीन्स ये मैं थीम क्यों बता रही हूँ आपको क्योंकि मैंने कलाम साहब के साथ 9 प्रोग्राम मुझे मिले, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी धरोहर वही वो जिस तरह से वर्सेटाइल थे, वो जिस तरह से जुनूनी थे, ये जो आज का जो मैंने बताया कि आशीष ग्रुप का ये जो एक्सपेंशन चल रहा है ये उनकी ब्लेसिंग्स है।
हमारा एक स्कूल मीन्स अंडर कंस्ट्रक्शन है वो, एंड उनकी ये प्रॉमिस था मेरे साथ कि डॉक्टर सुषमा उसके लिए मैं आपको हमेशा टाइम दूंगा उसका इनोग्रेशन के लिए। तो उनका ये जो बना हुआ जन्मदिन मुझे बनाने का सौभाग्य मिला है, ये जो उनकी देन थी ना मेरे साथ नो प्रोग्राम की, ये वो सपना था कि मैं भी कुछ उनके लिए करूं, क्योंकि कलाम साहब किसी भी जाति से, किसी भी धर्म से, किसी से भी नहीं बंधे थे वो सिर्फ और सिर्फ, मैं कहूंगी कि वो बाउंड्री से भी नहीं बंधे थे, मैं ये नहीं कहूंगी कि वो सिर्फ भारतीय ही थे, वो एक परफेक्ट ह्यूमन बींग है जो हम सबके दिल में विराजते हैं। ये हमारा एक छोटा सा प्रयास है उनके जन्मदिन के ऊपर कि ऑशिस ग्लोबल इंडस्ट्री इनोग्रेट हमने आज की है उनके जन्मदिन के ऊपर, पीपल्स डेमोक्रेटिक फोरम हमने आज इनोग्रेट की है उनके जन्मदिन के ऊपर, ऑशिस ग्लोबल स्पिरिचुअल सेंटर का इनोग्रेशन आज उनके जन्मदिन के ऊपर किया है। मिस हम किसी भी तरह से ये नहीं कहेंगे कि वो ये कास्ट है या वो कास्ट, वी ऑल आर जस्ट ह्यूमन बींग। मेरा मैसेज सिर्फ यही है कि कलाम साहब ये बात मिस बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते वही जिंदगी मुझे लगता है कि यही मुझे लगता है कि हम सबकी धरोहर है और वैसा ही सबको होना चाहिए। तो वही मैसेज मेरा भी है कि मैं भी सोसाइटी का काम करते करते ही इस दुनिया से जब जाऊं तो एक सबके दिल में बस के जाऊं, बस ये हाँ माँ भक्ति का है। मीन्स मैंने जैसे अभी पहले ही कहा कि हम किसी धर्म के साथ या किसी उस बात के साथ नहीं जाएंगे, माँ भगवती एक एनर्जी कॉस्मोस प्रकृति जिसके वजह से हम जी रहे हैं, जी प्लीज जिसकी वजह से हम जी रहे हैं, जिसकी वजह से हम सांस ले रहे हैं, हम उसे एक रूप में ढालते हैं जिसे हम माँ भगवती कहते हैं, हम उसे शक्ति कहते हैं, शिव की शक्ति कहते हैं, माँ की आराधना करते हैं, माँ मतलब कि मातृशक्ति की बात हो रही है, इस मातृशक्ति को कोटि शत नमन है। एंड ये नवरात्रि हम मातृशक्ति को सिर्फ मातृशक्ति ना हम माने भी उसे, अब तो देश की गवर्नमेंट भी मान गई 33% तो इस मातृशक्ति को उन्होंने दे ही दिए हैं राइट्स, वो दे ही दिए हैं। तो ये जो हम नवरात्रि बना रहे हैं ये उसको भी थोड़ा सा हम लोग एम्बाइड करें कि यस गवर्नमेंट भी मान चुकी है कि यस 33% होना चाहिए, जबकि भारत का अगर हम कहेंगे तो भारत तो कभी से देवियों का देश रहा मीन्स कभी से, चाहे वो एक बिटिया ही क्यों ना हो वो भी मातृशक्ति का ही रूप मान के माने जाते हैं। तो माँ भगवती के सौर मंगल मांगल्य शिवे सर्वान सादी के शरण त्र्यंबके गौरी नमोस्तु। Thank you. With a huge round of applause, ladies and gentlemen, Dr. Nathan Kochhar sir, we now all take up training social service. Now I would like to call upon Wing Commander Dr. Praful Bakshi on stage. So please come on stage. With a huge round of applause, he has been awarded Doctorate in Humanity. Now I would like to call upon Dr. Rashkesh Chandra Agrawalji on stage. He's been awarded doctorate in social service. He is the executive chairman and now we are at Consumer Protection Foundation. With a huge round of applause. Thank you.
सब खत्म हुए, वो खत्म हो गया। डॉक्टर आनंद तिवारी जी, he's been awarded doctorate in science. इधर बैठो, इधर आ जाओ, इधर आओ। I would like to request the candidates below the stage to please mute their mobiles. It's been
your doctorate in social service. Dr. Abdul Kalam, I think he was truly a visionary leader. I mean, today the nation is become developed. उन्होंने मतलब जब उन्होंने even when he was scientific advisor and advised to the prime minister, उन्होंने पहले when India was 50, at that time he was the one who defined India at 2020, and now of course we are talking of India at 2047. So therefore, the whole of this transformation that has happened, and when the whole of us today are talking of knowledge economy, way back even when they coined this India 2020, he was one of the first person to say India would be a knowledge economy leader. मतलब हम हमारे संस्कृति को भी देखें, I'm sure मुझे ज़्यादा वेद के बारे में ज्ञान नहीं, लेकिन चार महावाक्य है वेदों का. पहला महावाक्य है प्रज्ञानम ब्रह्म, knowledge is ultimate. I mean there is nothing bigger than knowledge. And therefore, he said India has to be the knowledge leader in 1980s and 90s when they started the plan of Vision 2020. And so today, India has already by default become the knowledge leader. So modern era, somebody has to be truly acknowledged as a visionary technology and a multidisciplinary leader for India. After Sir Vishweshwaraya, who wrote India's Future in 1927-37, I think it was Dr. Abdul Kalam, and it's a privilege for me to be here on the stage and to also be present with other leaders who have done far more in various domains for India to become a leader and be present along with them. And just to imagine, I'll conclude because 2 minutes bata hai ki shayad maine zyada hi time le liya. Ek baar jab Kalam ji bahar videsh mein gaye the, ek reporter ne pucha unse, are you single or bachelor? Matlab mazak karte hue. So if there is one person who is truly a Sanatana Dharmi, who truly believes in India's dharma, I think it was Dr. Abdul Kalam. When he was asked that question, he said, I am a brahmachari. Brahman is seeker of knowledge. And acharya in general means, one is a teacher, but other is acharya also means palan karna. So seeking of knowledge, but brahmachari ka bahut sare arth hai, lekin ek arth hai ki jnan ki मतलब खोज में ही रहना और उसी एक शिष्टा निस्तर पालन कर उस हिसाब से रहना है. सो ही सेड आई एम अ ब्रह्मचारी एंड ही वाज ट्रूली समबडी हु वाज ऑलवेज फॉलोइंग अ वेरी स्ट्रिक्ट एथिकल इंटेग्रिटी बेस्ड लाइफ एंड सीकिंग नॉलेज एंड आल्सो ही हैड
enhance India to transform. And you see, for over the last 2000 years, except for 10%, India was the world's largest economy. It was more than 32%. Just a sau ded sau saal mein matlab hum nahi the. Once again, we are going to become that, and it would have not been possible but for the starting of the Vision 2020 by Dr. Abdul Kalam. So I'm extremely happy to be present on this occasion, at least to share and be present with such dignitaries. I thank Dr. Sushma once again for giving me this opportunity to be here. And I'm sure India will truly be a great, leader that it was for over the last 1,800 years, as it was 32%, it once again become so. And let us all work towards that. Thank you once again. Jai. Please come on stage, sir. I would like to call upon Anil Kumar, sir, advisor Jammu. Anil Kumar, sir, please come on stage. सोशल सर्विसेज का बहुत बड़ा चैप्टर है. हम पुलिस में समय ऐसा होता है कि कभी कभी निकाला पड़ता है और कभी कभी बिना निकाले ही हो जाता है. हमारे पास क्राइम, क्रिमिनल्स और पब्लिक के अलावा सेवा करने के लिए बहुत सारे मौके मिलते हैं जो आम लोगों को पता नहीं चलता. जो लोग पुलिस के करीब होते हैं उनको पता चलता है कि हम कैसे उसको मैनेज करते हैं, जैसे हॉस्पिटल्स में भर्ती, स्कूल्स में, या जो हमारे पास आ जाते हैं जिस भी कंडीशन में आते हैं, हम कोशिश करते हैं कि उन्हें जो है सो वो चीज़ें मिल जाए. कुछ पर्सनल लेवल पे भी होती है. अगर आपके हमारे अंदर में है कि हम उसी सोसाइटी से आते हैं जहाँ हमने बड़ा लिखा है, वहाँ हमने भी देखे हैं कि कई सारी समस्याएं हैं, तो हम अपने लेवल पर कोशिश करते हैं कि हम कैसे उसका निदान करें. इसी क्रम में एक अभी हमने 100-150 बच्चे के लिए फ्री स्कूल की जो है स्थापना की है, और उसके लिए हमने नाम डाला है पुलिस, और वो बिहार के वैशाली में अभी हमने उसको स्थापित किया है. उसको हमें 50,000 बच्चे तक में एक साथ रहने का, उसके लाइवलीहुड को तैयार करने का और उसके एजुकेशन का हमने एक अपने ग्रुप में कोशिश की है और हमने स्टार्ट कर रहे हैं और कर दिए लगभग. अब देखते हैं हम कहाँ तक इसकी सफलता हमें मिलती है. थैंक यू वेरी मच आप लोगों के समय हमें बुलाया और हमें आशीर्वाद दिया. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच सर. एंड अ वेरी वेरी स्पेशल थैंक्स कि आपने टाइम निकाला उस पे इतना टाइट शेड्यूल के बाद भी आप यहाँ पर आए हमारे बीच. सो मूविंग अहेड टू आवर मोस्ट अवेटेड अवार्ड सेरेमनी, आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन स्टेज
डॉक्टर सुरेंद्र चौधरी जी, जैसा मैंने सोचा था उससे भी कहीं ज्यादा अच्छा आपका यह इवेंट हुआ, और जहाँ पे जितने भी रिस्पेक्टेड डिग्नेटरीज आए हुए हैं, अस्टीम गेस्ट आए हुए हैं, मैं आप सारों का शुक्र गुजार करना चाहता हूँ कि यहाँ पे दिल्ली में हमें भी मौका मिला। हालांकि मैं अपना परिचय दे दूँ, मैं J&K पुलिस में सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस हूँ, इन दिनों सांबा में पोस्टेड हूँ मैं। तो कल ही मैं शाम को जहाँ पे आया तो मेरे को एक बीमारी है रनिंग की, रनिंग का मैं बड़ा सारा शुक्रिया हूँ। तो आज सुबह जहाँ पे दिल्ली में हाफ मैराथन किया, मैं पहले वहाँ पे गया, हाफ मैराथन पूरी की, फिर उसके बाद मैडम के पास हाजिरी निभाने आया मैं यहाँ तो वाकई मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मैडम डॉक्टर सुषमा को दिन रात चुगनी तरक्की दें, और मैं बार बार जहाँ पे आना चाहूँगा। अपने बड़े प्रिय राष्ट्रपति कलाम साहब के बारे में बात करने का, मैं इस बात से एक बड़ी अचंभे की बात आपको ये बताना चाहता हूं कि जो भी कुछ हुआ चंद्रयान इत्यादि के जो हुआ और जो आप देख रहे भारत में हो रहा है, कलाम साहब का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। पर मैं कैसे कनेक्टेड हूं मैं इसके बारे में थोड़ा बताऊंगा। मैं हालांकि स्पीच तो इंग्लिश में लिख के लाया था, पर देश के जागरूकता को देखकर इतना मेरे को जोश आ गया, मैंने कहा मैं हिंदी में ही बोलूंगा। सो एक्चुअली पोल स्टार ऑफ इंडिया इंडियन डेस्टिनी, पर मैं उसको कहता हूं भारत की विधि का मार्ग सूचक प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम। जब चंद्रयान 3 चांद की धरातल को छू रहा था तो सारी दुनिया चौंक गई। क्यों चौंक गई? कि भारत ने उनके ऊपर ऐसी जीत हासिल करी, उनको विचार में नहीं था कि भारत इतनी बढ़त हासिल कर लेगा। और कुछ लोगों सब लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, खुशियां मना रहे थे, पर कुछ लोगों ने अपनी आंख मूंद करके उनको धन्यवाद दिया, उनकी आत्मा को उनकी शांति की प्रार्थना करी। जी भाइयों बहनों, मैं बात कर रहा हूं लेट प्रेसिडेंट अबुल फकीर जलालुद्दीन अब्दुल कलाम, और उनके आज उनका 92nd बर्थ एनिवर्सरी है, जिन्होंने देश के हर एरिया के अंदर जो बड़ा भारी अहम भूमिका अपनाई है, चाहे स्पेस प्रोग्राम, रॉकेट और मिसाइल प्रोग्राम, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जेट एयरक्राफ्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट, होवरक्राफ्ट, और सबसे बड़ी चीज 1998 में जो भारत को उन्होंने बढ़त हासिल कराई थी, जब भारत ने न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल किया था, यानी कि एक्सपेरिमेंट किया था और वेपन्स प्रोग्राम की तरक्की की। जैसे कि अभी जनरल साहब ने भी बताया था कि टेक्नोलॉजी विजन 220 का उन्होंने एक विचार लिखा और पूरे भारत के ऊपर उन्होंने उनको भेजा,
और पेपर पब्लिश हुआ कि किस तरीके से भारत एक कृषि की महान उपज की महान उपज हासिल करे, आर्थिक एरिया में महान बने और हेल्थ और एजुकेशन के में बढ़त हासिल करे। और आज मैं ये कह सकता हूं कि भूल की कोमलता लिए वाला ये शख्स के अंदर रॉकेट की भीषण आग थी, ये हमें अब पता चला है। तो भाइयों बहनों, ये सब बात हो गई, पर मैं अब आप उनको बताऊंगा किस तरीके से मैं अब्दुल कलाम साहब के साथ में मेरा भेंट हुई। मैं लड़ाकू विमान पायलट, फाइटर पायलट और कलाई कोंडा में मैं पोस्टेड था। ये है 1983 अक्टूबर नवंबर की बात, और हम चांदीपुर गए हुए थे। चांदीपुर एक वो जगह है जहां एयर टू एयर फायरिंग समुद्र पे करते हैं और बाकी मिसाइल वगैरह का टेस्टिंग वगैरह होती है। वहां डीआरडीओ की टीम आई हुई थी और अब्दुल कलाम साहब भी आए थे, और हम कुछ चंद अफसर वहां पे 2-3 दिन के लिए गए थे एक्सरसाइज को कंडक्ट करने के लिए। रात का समय था, अफसर मेस में बैठे थे, हम लोग अपनी ड्रिंक्स कर रहे थे कि कलाम साहब अंदर आए। कलाम साहब तो एक मुस्लिम शख्स थे, उन्होंने ड्रिंक तो नहीं ली, सॉफ्ट ड्रिंक मंगाई, और बात बात में उनके बात से ऐसा पता चलने लगा कि उनको लड़ाई के विमान में का बहुत शौक है। हमने कहा ये एक साधारण से जो खुशनुमा से इंसान लग रहे हैं, इनको फाइटर एयरक्राफ्ट के ऊपर इतना क्यों इंटरेस्ट है। तो उन्होंने बताया कि मैं कोई फाइटर पायलट बनना चाहता था पर मैं बन ना सका, बहुत मेरे को निराशा हुई, पर मैंने अपना सारा योगदान अब इस एरिया में लगाया, स्पेस में और रॉकेट में, बड़ी खुशी हुई। पर थोड़ी देर के बाद वो हमको ले गए थी बीच के ऊपर, वहां 3-4 अफसरों के साथ में हम बैठ के बात कर रहे थे, हमारी आंखें खुलने लगी। उन्होंने एकदम से अपनी भाषा बदली और हमसे पूछने लगे कि लड़ाई के दौरान आप क्या ध्यान रखते हैं कि सिविलियंस का और निहत्तों का के ऊपर के बर्बाद ना हो, क्या उनकी सेफ्टी का ख्याल रखते हैं। हमने कहा ये क्या बात है, ये तो वेपन बनाने वाला, बॉम्ब रॉकेट बनाने वाला, ये हमसे क्या बात कर रहा है। पर हमें कुछ कुछ पता था, हमने सिर में हामे हामे लाई। फिर उन्होंने हमें बताना शुरू किया, देखिए आपकी संस्कृति इतनी महान है, और उन्होंने संस्कृत का श्लोक बोला। मैं हैरान रह गया, मुसलमान और संस्कृत और गीता के उपदेश को दे रहे हैं, और उन्होंने गीता के 1-2-3 जो हमें घटनाएं सुनानी शुरू करी, संस्कृत का श्लोक बनाने बताने शुरू करे, और किस तरीके से बताया कि किस तरीके से चंद युद्ध के कानून जो फॉलो होते थे महाभारत के समय, वो जिनीवा कन्वेंशन में लिखे हुए हैं। जिनीवा कन्वेंशन के बारे में बताया, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस के बारे में बताया, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस के बारे में बताया, हमने तो सुना भी नहीं था उसका नाम। हमने फिर से उसमें हामें हामें लाई। फिर उनकी जब बातें करने लगे और हमने ये सोचने लगे कि ये विचित्र आदमी है, ये बड़ा अजीब है, कहां की बात, कहां का साइंटिस्ट, कहां का संस्कृत, कहां की महाभारत, ये सब ज्ञान है उसको। खैर बात यहां तक तो नहीं हुई। फिर उसने हमें जब बताया, फिर उसके बाद में गीता वगैरह के बारे में बताने के बाद में फिर वो हम उसने हमें बताया कि आपके जो आर्मी में सर्वधर्म स्थल होता है, सर्वधर्म स्थल है, अगर एक आर्मी के बटालियन में मुसलमान हिंदू सिख ईसाई ट्रुप्स होते हैं, सबका पूजा करने का स्थान एक छत के अंदर होता है, और कमांडिंग ऑफिसर और सारे अफसर और सारे जवान सब में भाग लेते हैं। अगर रामनवमी के अंदर पंडित बीमार हो जाए तो मौलवी पूजा करवाता है। क्या उन्होंने हमसे पूछा क्या भारत में ऐसी और कोई जगह है भारतीय फौज को छोड़कर। हमने कहा नहीं साहब, ये तो हमें पता था, क्योंकि मेरे फादर भी आर्मी में, दादा भी आर्मी, ये सब तो मुझे पता था। पर मैंने कहा नहीं साहब, हमने कहीं नहीं सुना। तो कलाम साहब कहते हैं जब तक आप लोग इस तरह तरक्की नहीं करेंगे, भारत उन्नति नहीं करेगा। हम हैरान रह गए, हमने फिर हामे हाँ मिलाई और चुप रहे, क्योंकि इतने सीनियर थे डीआरडीओ के वो टॉप बॉस, मैं स्क्वाड्रन लीडर, मेरे साथ तो 2 फ्लाइट लेफ्टिनेंट। एनी हाउ बात चलने लगी। फिर उसने कहा एक बड़ी चीज बोली इंग्लिश में, फॉर ग्रेट मैन रिलीजन इज अ वे ऑफ लाइफ, वे ऑफ मेकिंग, रिलीजन इज अ वे ऑफ मेकिंग फ्रेंड्स।
कि धर्म को दोस्त बनाने में काम आते हैं, पर जो छोटे लोग होते हैं वो रिलीजन को एक लड़ाई का अस्त्र बनाते हैं। ये जब उन्होंने बोला हमें, तब हमें समझ आई कि वो क्या कहना चाहते हैं। खैर भाइयों बहनों, मैं यहां अंत करूंगा। अब मैं 1996 में मैंने प्री मेच्योर रिटायरमेंट ली, और किस्मत से मैं इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेडक्रॉस जिनीवा में गया। वहां उन्होंने मेरे को लिया और युद्ध के कानून की ट्रेनिंग दी। मैं इंस्पेक्टर बन गया और मैं 37 देशों में गया, युगोस्लाविया, यूक्रेन, बेलारूस, ये सारी इजिप्ट सब, मिडल ईस्ट सब में मैंने ट्रेनिंग लेके आया हूँ। और जब ये प्रेसिडेंट बनने लगे अब्दुल कलाम साहब, तो विज्ञान भवन में मेरे से मुलाकात हुई, तो मैंने उनको वो 1983 का दृश्य फिर बताया। कहते हैं विंग कमांडर साहब, मैंने कोई झूठ तो नहीं बोला था आपसे। और उनको जो उन्होंने बोला, इफ वी आर ट्रू टू ह्यूमैनिटी देन दिस सब्जेक्ट ऑफ ह्यूमैनिटेरियन लॉ मस्ट बी टॉट इन एवरी इंस्टीट्यूशन एंड एवरी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ द कंट्री। मतलब कि सारी जगह ये मानवीयता का कानून, युद्ध के कानून को हर एक स्कूल और कॉलेज में बताना चाहिए, ताकि किस तरीके से इंसानियत का हनन होना बंद हो, जैसे कि आप अभी मिडिल ईस्ट में देख रहे हैं। सो भाइयों और बहनों, मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि जो हमारी जो उन विधि का ध्रुव ध्रुव तारा जो है, पोल स्टार ऑफ ह्यूमैनिटी, वो हमारे अब्दुल कलाम साहब हैं। जय हिंद। थैंक यू सो मच सर, इतने मेमोरेबल मोमेंट्स आपने कलाम सर के साथ जो आपने जिए हैं, वो सुन के ही लग रहा था कि मानो हम ही जी रहे हो। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अब मैं बुलाना चाहूंगी ऑशियस फिल्म्स के भारत के हनरबाज के एक और कंटेस्टेंट राजकुमार मौलव जी को, वो स्टेज पर आए और अपने छोटी सी पेशकश हम सबके सामने प्रस्तुत करें, एक बार जोरदार तालियों के साथ। Thank you.
सुषमा चांसलर उन्होंने इनवाइट किया, मैं उनका काफ़ी शुक्रिया करता हूँ। जो उनका क्षेत्र है यूनिवर्सिटी के अलावा भी वो सोशल सर्विसेज और वॉलंटियर एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, और छोटे छोटे जो लोग इनिशिएटिव जहाँ जहाँ अपने रीजन में कर रहे हैं उनको अप्रिसिएट करके मेन स्ट्रीम में ला रही है, उनके अवार्ड कर रही है, उनको लेने वाले को भी काफ़ी खुशी होती है और अपने क्षेत्र में पूरी सहयोग दे रहे हैं। तो मेरी तरफ से उनको ढेर सारी शुभकामनाएं, ऐसे ही जैसे होती रहे, लोगों का अवार्ड मतलब कहीं ना कहीं उनको जो है मनोबल बढ़ता रहेगा। और आज डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब का भी बर्थडे मना रहे हैं, इससे बड़ी कुछ नहीं हो सकती। उनके याद में जो उन्होंने बहुत कुछ किया, नेशन देश के लिए एक विकास का संदेश दिया, एक स्वप्न दिखाया, और हम आज कहीं ना कहीं उस पर बढ़ रहे हैं। सर, ये जो आपकी जॉब है बहुत टफ है, आपका शेड्यूल बहुत टाइट है, फिर भी आप इसके लिए टाइम निकाल पाए, ऐसा कैसे हुआ सर? हम सब लोग हम कर सकते हैं, हंसते हंसते सब लोग का प्यार बस करवा लेते हैं। और सर, ये जो आजकल समाज में जो बुराइयां फैली हुई हैं उसके लिए आप क्या अवेयरनेस देना चाहेंगे पब्लिक को, जो लोग उलझे हुए हैं समाज के अंदर बुराइयों के अंदर, तो किस तरह से लोग बुराइयों से बचें? समाज को हमें कहीं ना कहीं एजुकेट करना पड़ेगा कि चीज़ों को समझें, और किसी भी चीज़ ऐसा जो कहीं उबाल आ रहा हो, कहीं ऐसे वक्त बोले जाएं, तो उसमें इन्वॉल्व ना पड़े और चीज़ों को अपने विवेक से सोचें और आगे बढ़ें। थैंक यू। यस मैम, बताइए आज जो प्रोग्राम आपने किया है उसके बारे में आप बताइए। मैं डॉक्टर सुषमा, सी यू एंड फाउंडर फॉक्स। आज हम लोगों ने कलाम साहब का 92nd बर्थडे सेलिब्रेट करने की कोशिश की, और वो कोशिश बहुत ही मैं डॉक्टर सुषमा, सीईओ एंड फाउंडर अर्शिश ग्रुप ऑफ फंड्स। आज अर्शिश ग्रुप ने 92nd बर्थडे सेलिब्रेट करने की कोशिश की कलाम साहब की, और इस कोशिश में हम बहुत कामयाब हुए, सिर्फ और सिर्फ आप सबके प्यार की वजह से। आज आशीष ग्रुप का आशीष वर्ल्ड रिकॉर्ड की ओर से अवार्ड सेमिनी रहा, आशीष ग्लोबल इंडस्ट्री की ओर से कॉन्वोकेशन सेमिनी रहा,
और शिश फिल्म प्रोडक्शन हाउस की ओर से हमारे भारत के हुनर बाजों को मंच भी मिला और उन्हें सम्मान भी मिला। और शिश नेशनल ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन काउंसिल के बहुत सारे ऑफिशियल्स को आज ऑफिशियली ज्वाइनिंग दी गई। आज ओशिश ग्लोबल यूनिवर्सिटी का इनॉग्रेशन भी रहा, आज पीपल्स डेमोक्रेटिक फोरम का इनॉग्रेशन भी रहा, और आज ओशिश ग्लोबल स्पिरिचुअल सेंटर का भी इनॉग्रेशन रहा। बहुत अच्छा लगा, आप सबका प्यार ऐसे ही बना रहे, हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, और आप सब नेक्स्ट इवेंट के लिए, बहुत जल्दी वो नेक्स्ट इवेंट आ रहा है, 25 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे बनाने जा रहे हैं, तो उसके ऊपर आप सबका फिर से स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू मुझे ये प्लेटफॉर्म देने के लिए, एंड आपने मुझे इस योग्य समझा कि आप मेरा इंटरव्यू ले सके। मेरे सामने कैमरे पर साहब हैं, तो जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं है, एंड किसी भी टाइम इन्हें कोई भी बात कही जाए तो उसी टाइम हाजिर हो जाते हैं, तो ये एक इनका बड़ापन है। मैं हमेशा आपसे दरख्वास्त करूंगी कि आप ओशिश ग्रुप का एक हिस्सा है, ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहें। थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक यू। Yes, मैं बताइए, आज को इस ग्रुप के द्वारा ये जो सम्मान समारोह का यहाँ पे आयोजन किया गया है एपीजे अब्दुल कलाम के जन्म दिवस पे, मैं ये कहना चाहती हूँ, इंग्लिश में एक कहावत है जिसे बोलते हैं कि रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, एक दिन में कुछ नहीं होता, तो जो आज यहाँ इतने सारे तमाम जो यहाँ पे लोग मौजूद हैं उनकी कहीं ना कहीं बहुत मेहनत है, लगन है कि आज वो इस मुकाम तक पहुंचे, कि उनको सम्मानित करा जाए इस मंच पे। और इस मंच की लोगों को आवश्यकता इसलिए है क्योंकि लोगों को बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है, कहीं ना कहीं जो बहुत सारे लोग बहुत सारे अन्य क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वो डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, तो उन्हें बहुत ज़रूरत है आज के दौर में कि उन्हें एक मंच मिले, वो अपनी बात रख सके, तो वो बात आज ओएसएस वो मंच आज प्रोवाइड करा है ओएसएस ग्रुप ने, सुषमा जी ने। तो मैं डॉक्टर सुषमा जी को और ओएसएस ग्रुप को बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। मेरा नाम अर्चना सिंह है, एडिटर अपनी धारा विचार। आज का ये ओएसएस ग्रुप का जो प्रोग्राम अपने आप में ऐतिहासिक है, और आप जान रहे हैं कि ऐसे महापुरुष भारत रत्न और हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब के लोग बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे, ऐसे में उनसे सीखने की बात है कि कलाम साहब के जीवन से किसी चीज सीख सकते, देश से बढ़कर कुछ नहीं, इंडिया फर्स्ट, इंडिया है सब कुछ, इंडियन इंडियंस, कोई भी जाति धर्म भेद करके उन्होंने सिखाया कि देश से प्रेम क्या है। हम भी अगर अपने दिमाग में देश को रखें, इंडिया को रखें, इंडिया फर्स्ट रखें, तो अब वो जब हम अपने देश के बारे में सोचेंगे तो ऑल इंडियंस आर लाइक ब्रदर एंड सिस्टर्स महसूस होंगे, हम आपस में भाई के तरह रहें, एक भाई बहन के तरह लोग रहें, इसके लिए हमको इंडिया को ही आगे रखना है। और वो कलाम साहब को ही सच्ची श्रद्धांजलि, आपने देखा कि आज ही वो लॉन्च हुआ पीपुल्स डेमोक्रेटिक फॉरम, और गवर्नेंस इन डेमोक्रेसी, गुड गवर्नेंस इन डेमोक्रेसी पर जो बात हुई, लोकतंत्र भी कहता है कि हमें वो जो लोकतंत्र का जो हमारा गोल है, जो हमने स्पीच में भी कहा कि डेमोक्रेसी द वे ऑफ गवर्नेंस बाय द पीपल फॉर द गुड ऑफ द पीपल विच ब्रिंग्स रिवोल्यूशनरी चेंज इन सोशल एंड इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर विदाउट एनी ब्लड, ये लोकतंत्र की गोल तो हमें यहाँ पर ये करना है। और इसके लिए हमारी विशेष ये है कि लोगों को कॉमन एजुकेशन मिले, कॉमन हेल्थ फैसिलिटी मिले, एम्प्लॉयमेंट मिले, और सबसे बड़ी बात है कि जो गवर्नमेंट मेकिंग में है, जो गवर्नमेंट सर्वेंट है, जैसे हम लोग पब्लिक सर्वेंट हैं, जो सरकार को चलाने वाला इस देश का नागरिक है, सरकार के खजाने को भरने वाला इस देश, मोर देन 80% जो है कि बजट जो है कि जीएसटी से भर जाते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस से भर जाते हैं, एक टैक्स पेयर के बच्चे, वोटर्स के बच्चे सरकारी स्कूलों में खिचड़ी चाट रहे हैं, लेकिन हम लोग जो उनके वोट से एमएलए एमपी बनते हैं, उनके पैसे खजाने से हम लोग अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, सब लोग एक ऐशोआराम के जीवन जीते, हमारे बच्चे दूर स्कूल में पढ़ते हैं, क्वालिटी एजुकेशन लेते हैं, लेकिन जो जिनके बदौलत हैं और हम जिसके लिए हैं, वो बहुत ही निम्न क्वालिटी के शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, इसलिए उनका इलाज भी बहुत, ये हमारा एक डिमांड भी है आज इस मंच से कि सरकार एक ऐसी कानून बनाए जिसके तहत कम से कम जो इतनी भी सरकारी वेतन होगी जिनका सैलरी ट्रेजरी से आता है, वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएं, वे अपना और अपने परिवार का इलाज सरकारी में कराएं, तब जाकर के इस देश को आप हम एक लोकतांत्रिक देश कह सकते हैं। हम तो कहते हैं कि आई एम कमिंग फ्रॉम मदरलैंड ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के मदरलैंड हमारी इंडिया है, लेकिन इसका हमके प्राउड है,
बट यहाँ के डेमोक्रेसी पर हम फ्रॉड नहीं कर सकते। जो अभी बहुत भेदभाव है, एमएलए एमपी के बच्चे बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं उनका परिवार, लेकिन एमएलए एमपी बनाने वाले बच्चे क्वालिटी एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं, बहुत चिंता का विषय। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपका इंट्रोडक्शन। मैं आशीष, डायरेक्टर आशीष वर्ल्ड रिकॉर्ड, वाइस चेयरमैन आशीष ग्लोबल स्पिरिचुअल सेंटर। आज जो आपने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है और साथ में कलाम साहब का बर्थडे भी मनाया है, तो उसके बारे में हमें बताइए कि ये दोनों चीजें क्लब करके क्यों की गई आप? देखिए सर, कलाम सर एक ऐसे शख्सियत है, मैंने जब प्रोग्राम शुरू हुआ था और प्रोग्राम के दौरान भी हर किसी हमारे चीफ गेस्ट डिग्निट्रीज ने बोला क्या, सिर्फ डिग्निट्रीज ही नहीं, अगर मैं कहूँ कि हम किसी आम आदमी को भी अगर उठा के देखें, किसी नॉर्मल मैन जो हम जिन्हें मैंगो पीपल कहते हैं इंडिया के, किसी को भी हम बोले, सिर्फ इंडिया ही नहीं वर्ल्ड में से कहीं से भी, कोई ऐसा इंसान नहीं मिलेगा जिसके दिल में कलाम सर वास ना करते। तो कलाम सर एक शख्सियत ही ऐसी है जो कहीं से भी लोगों को खींच के एकजुट कर सकती है। तो आज हमारे साथ जो हमारे अवॉर्डीज थे, हमारे स्पेशल गेस्ट थे, चीफ गेस्ट थे, हमारे परफॉर्मर्स थे ऑल ओवर इंडिया, बी इट साउथ इंडिया, बी इट नॉर्थ इंडिया, वेस्ट इंडिया, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया, हमारा चारों नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ सब आया था, पूरे हम भारत, मतलब जो हमारा आज यहाँ पे एक तरीके से मिनी भारत। तो कलाम सर से, सर के जन्मदिन से अच्छा दिन क्या हो सकता है कि एक मिनी भारत हम एक जगह पे इकट्ठा करें, और उनका शानदार जो उनका एक जो आइडियोलॉजी रही है कलाम सर की हमेशा से, अगर उसको हम थोड़ा सा अपना कुछ मैं कहूंगी कि योगदान कर सके उसमें, तो उससे ज्यादा सिर्फ शायद गर्व की बात और कुछ नहीं हो सकती। ओएसिस के बारे में बताइए, आपका ग्रुप में क्या क्या है? ओएसिस ग्रुप सर मोर देन 30 ईयर्स से पहले एजुकेशन फील्ड में काम कर रहा था, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे वर्किंग है, एंड अभी इसके बहुत सारे न्यू वेंचर, ओएसिस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, ओएसिस स्पिरिचुअल सेंटर, डेमोक्रेटिक पीपल्स डेमोक्रेटिक फोरम एंड हुनर बास, और भी बहुत सारे, नेशनल ह्यूमन प्रोटेक्शन काउंसिल है हम ओएसिस का, ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग फॉर्म्स हैं जिनके ओएसिस अभी काम कर रहा है ऑल ओवर इंडिया एंड इंटरनेशनल लेवल पे भी। तो हमारे आज चीफ गेस्ट थे लिस्ट में, हालांकि वो पहुंच नहीं पाए, लेकिन उनको आना था, तो कुछ कंट्रीज के थे, एंड जो हम देख रहे हैं मिडल लिस्ट में चल रहा है, तो उस वजह से बाकी सारे हमारे इंटरनेशनल जो हमारे थे मंच के चीफ गेस्ट हमारे पास साथ उपस्थित आज किसी कारणवश नहीं हो पाए, मिडल लिस्ट का हम सबको पता ही है, लेकिन स्टिल आशीष जो है लास्ट फ्यू ईयर्स से नेशनल इंडिया के अंदर मोर देन 35 ईयर्स से वर्किंग है, एंड मोर देन 5 ईयर्स से वो इंटरनेशनल लेवल पर भी वर्किंग है। यही आशीष ग्रुप, और इसी को हम बस आगे बढ़ाना है, आप सबका साथ चाहिए, आशीष ग्रुप की ब्लेसिंग्स चाहिए, और क्या है।